टीचर्स एंड ऑल डियर स्टूडेंट्स, आज के इस ऑनलाइन लेक्चर प्रोग्राम में मैं सौरभ शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे महाविद्यालय की एनएसएस इकाई के सौजन्य से आज का यह लेक्चर प्रोग्राम रखा गया है, जिसका टॉपिक स्ट्रेस मैनेजमेंट है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में हम सभी कोविड-19 के पैंडेमिक दौर से गुजर रहे हैं और राज्य ही नहीं, देश ही नहीं, पूरा विश्व इससे संक्रमित है, इस महामारी से, और हर व्यक्ति कहीं ना कहीं तनावग्रस्त है, समस्याग्रस्त है किसी ना किसी तरह से। तो आज इसी विषय पे हमारा यह कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम की शुभारंभ में हमारे महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर संचिता कुमारी प्रिंसिपल मैम के द्वारा चाहूंगा कि वह अपने विचारों को रखें। मैं अपनी प्रिंसिपल मैम का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। प्रिंसिपल मैम, थैंक यू सौरभ। मेरी आवाज जा रही है प्रॉपरली? यस मैम, वेलकम मैम। थैंक यू सो मच सौरभ। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मुझे जब सौरभ जी ने ये बताया, हाँ गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, मुझे जब सौरभ जी ने ये बताया कि उनका एक स्पेशल लेक्चर करने का मन है और खासकर एक बहुत ही रिलेवेंट टॉपिक स्ट्रेस मैनेजमेंट। जैसा कि आप लोग जान रहे हो और हम लोग सभी इस चीज को फेस कर पा रहे हैं कि हमारे आस पास हमारा वातावरण कितना नेगेटिव हो गया है, और ना चाहकर भी एक ह्यूमन बीइंग चाहे कितना भी पॉजिटिव हो, लेकिन अभी उनको नेगेटिविटी से इतना सामना करना पड़ रहा है कि ये स्ट्रेस जो वर्ड है वो आपको कहीं ना कहीं से घेर ले रहा है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि अभी आप स्ट्रेस को बहुत सारे यूनिट्स में देख सकते हैं। जैसे अगर आप स्टूडेंट लाइफ में स्ट्रेस, एक अलग स्ट्रेस होता है। ऑफिशियल लाइफ में एक स्ट्रेस, यानी आपके जॉब फील्ड में एक स्ट्रेस, वो एक अलग स्ट्रेस होता है। जब आप फैमिलीज के साथ होते हो तो एक डिफरेंट काइंड का स्ट्रेस होता है। लेकिन अभी के संदर्भ में मैं कहूंगी तो कोविड-19 जो कि पूरे विश्व को नेगेटिव एनवायरनमेंट में चपेट में ले चुका है। किसी को यहाँ पे डर है कि मुझे कोविड हो ना जाए, किसी को डर है कि मुझे कोविड हो गया है तो मैं इससे उबर पाऊंगा कि नहीं, किसी को हुआ है कि मुझे अगर कोविड हो जाता है तो मेरे पीछे हमारे फैमिलीज का क्या होगा। तो कहीं ना कहीं से आप स्ट्रेस से घिरे हो। तो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि रिसेंटली मैं अपना ही एग्जाम्पल देना चाहूंगी आप लोगों के बीच, क्योंकि एग्जाम्पल्स अगर आपके आसपास का हो और सराउंडिंग्स का हो तो आपको ज्यादा समझ में आता है। पिछले 20 डेज, मेरे ख्याल से 20 डेज हुए होंगे जब खुद मैं इस कोविड के चपेट में भी आई, और अभी पोस्ट कोविड को थोड़ा सा इफेक्ट है हमारे पास। तो मैं कैसे उबर पाई, मैं सिर्फ आपको उससे उसकी जानकारी दूंगी। जब आपको पता चलता है कि आप कोविड पॉजिटिव हो, और जब आप न्यूज़पेपर्स और आप टेलीविजन, आप फेसबुक, व्हाट्सएप, आप कुछ भी देख रहे हो तो इतनी निगेटिव न्यूजेज आते हैं, जैसे लगता है कि अगर आपको कोविड हो गया तो आप इससे ठीक हो ही नहीं पाओगे। लेकिन मैं बता दूं कि अगर आप स्टेबल माइंड के साथ किसी भी बड़े से बड़ी परेशानियों के सामने खड़े हो, बट आपका माइंड अगर स्टेबल है, तो आप किसी भी चीज का सामना बहुत ही आसानी से कर सकते हो। इसका उदाहरण खुद मैं हूं, क्योंकि जब आप कुछ बहुत बड़े परेशानी से घिर जाते हो तो सामने कुछ नजर नहीं आता, और आपका सबसे पहले कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है। और इससे उबरने का एकमात्र उपाय है कि आप अपने कॉन्फिडेंस को कभी भी डाउन मत करो, डीमोटिवेट मत हो, और नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में कैसे बदला जा सकता है, आप इन चीजों का प्रैक्टिस अभी करो। और मुझे लगता है इस लेक्चर में जो दोनों आपके स्पीकर्स हैं वो काफी अनुभवी स्पीकर्स हैं, वो आपको बताएंगे कि जब आप पे स्ट्रेस हावी हो चाहे किसी भी रूप में, तो आप उससे अपने आप को बाहर कैसे निकाल पाओगे। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि मैंने कहीं पढ़ा था
कि प्रॉमिस योर सेल्फ दैट नो वन कैन डिस्टर्ब योर पीस ऑफ माइंड. फिर से आप सुनिएगा, प्रॉमिस योर सेल्फ दैट नो वन कैन डिस्टर्ब योर पीस ऑफ माइंड. ये एक सेंटेंस है, पर आप कभी इस पे गहनता से विचार करना कि इसमें कितनी बड़ी बात कही गई है कि आपके आसपास कैसा भी इन्वायरमेंट हो और कोई भी परेशानी हो, बट आप अपने आप को प्रॉमिस करो दैट नो वन कैन डिस्टर्ब योर पीस ऑफ माइंड. बिकॉज एक ह्यूमन बींग का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है पीस. एक ह्यूमन बींग या फिर अर्थ पे चाहो कि कितने भी जीव जंतु, सभी का अल्टीमेट अगर आप गोल देखोगे तो वो है पीस. आप लाइफ में कुछ भी कर लो, बट लास्ट में जब आप देखोगे अपने आसपास सोचकर कि आप में कुछ अगर कमी है तो वो पीस की कमी है. तो फिर आप आज से अपने आप को प्रॉमिस करो एंड जस्ट राइट डाउन दिस सेंटेंस. मुझे ये बहुत पसंद आया था, शायद मैं जब एमएड कर रही थी तो हमारे एमएड डिपार्टमेंट के वॉल पे ये एक कोटेशन के रूप में लिखा हुआ था और आज भी मुझे याद है. और मैं इनको इसको हर समय याद रखना भी चाहती हूँ और दूसरों को बताना भी चाहती हूँ कि दिस इज वेरी सुटेबल लाइन फॉर यू, कि प्रॉमिस योरसेल्फ दैट नो वन कैन डिस्टर्ब योर पीस ऑफ माइंड. आप इस पे एक बार चिंतन करना, मनन करना, आपको इसकी जो राज है, जो इसमें बहुत सारा पॉजिटिविटी अपने आप में समाये हुए ये सेंटेंस है, आपको जरूर समझ में आएगा. और मुझे लगता है कि कोई भी परेशानी मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं है. हारा वही जो इससे लड़ा नहीं है. तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे ट्रेनीज, मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहना चाहूंगी कि यह जो माहौल आपके आसपास व्याप्त है, इसमें आपको दो तीन चीजें जरूर करनी चाहिए. आप छोटा छोटा अपने फ्रेंड सर्कल का एक ग्रुप बनाओ. जब भी आपको कभी भी थोड़ी भी परेशानी फील हो, थोड़ा सा टेंशन आए, किसी भी बात को लेकर आप स्ट्रेस में जा रहे हो, तो आज इमीडिएट आप अपने जो सबसे ज्यादा आपको समझते हो, जो सबसे ज्यादा आपको अंडरस्टैंड करते हो, उनसे आप बात करो. उनसे खुलकर दिल की बात को रखो. और जब आप किसी से बात करते हो, या तो आप जो जिनको आप सबसे ज्यादा समझते हो उनसे, या वैसे किसी पर्सन से जिनको जो आपसे काफी अनुभवी हो, उनसे बात करोगे तो आपका बहुत सारा प्रॉब्लम इमीडिएट शॉर्ट आउट होता है और आपको एक दिशा मिलती है कि आप किस दिशा में जाओ तो आप मेंटल पीस को फील कर सको. तो मुझे लगता है कि आप इमीडिएट आप ये काम कर सकते हो. दूसरी बात, आपने जिस महाविद्यालय में एडमिशन लिया है वहाँ काफी अनुभवी शिक्षक आपके साथ हैं, शिक्षिकाएं आपके साथ हैं. आप उनसे भी अपने काफी सारे विचारों को साझा करके इन प्रॉब्लम से, इन निगेटिविटी से, इस निगेटिव इन्वायरमेंट से निकलने की आप कोशिश कर सकते हो. और वन मोर थिंग दैट आई एम ऑल्सो फ्री, यू कैन टेक माई नंबर ऑल्सो, बिकॉज ये जो इन्वायरमेंट अभी हमारे सामने क्रिएटेड है, इससे लड़ना हमारी प्रायोरिटी होती है, प्रायोरिटी होनी चाहिए एक्चुअली, क्योंकि आने वाले समय में फिर से एक अच्छा विश्व की हम कल्पना कर सकते हैं. बट जो सिचुएशन हमारे सामने आए हैं उसको सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम कैसे डील करते हैं. तो उस डीलिंग में मैंने जो फील किया है अभी, क्योंकि सब तरफ लॉकडाउन है, कर्फ्यू का माहौल है और इतनी परेशानियों का माहौल है, तो आप अपने आप को खुश रखने की कोशिश कीजिए. बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप खुद अपने परिवार को, और अगर आपके घर में बच्चे हैं, आपके घर में बुजुर्ग हैं, एक ऐसा माहौल क्रिएट करिए कि सभी लोग खुश रहे, कोई चिंतित नहीं रहे, कोई दुखी नहीं रहे. तो आप एक ऐसा माहौल क्रिएट करें और आप ऐसा कर सकते हो. यू ऑल आर यूथ, आप ही लीड ले सकते हो. आप, मुझे लग रहा है जितने भी यूथ हमारे साथ जुड़े हैं वो अपने घर में लीड ले सकते हैं कि किस तरीके से घर का एनवायरमेंट को बहुत ही पॉजिटिव रखें और सब कोई कोशिश करें एक दूसरे के साथ मिलकर खुश रहने की. दूरियां रखें, फ्रेंड्स हैं आज आप मिल नहीं पा रहे हो, अब दूर जरूर हो, बट आप कोशिश करो कि आप किस तरह से उनसे कम्युनिकेट कर रहे हो, उनकी हालचाल को, उनके हालचाल को जान रहे हो, फैमिलीज के कॉन्टैक्ट में रहो. और कहीं इस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही है तो कोशिश करो उसको शॉर्ट आउट करने की, लेकिन स्ट्रेस में नहीं आने की. क्योंकि ये स्ट्रेस आज आप देखोगे, जैसे कि आप न्यूज में सुने होंगे, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स, रिपोर्टर्स और बड़े बड़े लोग भी, काफी जो बहुत, जिनको आप कह सकते थे बहुत अमीर लोग थे, बहुत सारे पैसे थे उनके पास, तो लगता था कि शायद एक गरीब अपने जान को नहीं बचा पाए, लेकिन एक अमीर तो बचा लेगा क्योंकि उनके पास उतनी फैसिलिटीज है, पैसे हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स हैं.
बट आज ऐसा भी है कि वो भी नहीं रहा, वो भी वैसे लोग भी नहीं बचा पाए अपने आप को। इट मीन्स कहीं ना कहीं जरूरत है कि आप डरे नहीं सिचुएशन से। बहुत लोग तो COVID-19 के पॉजिटिव रिपोर्ट से के हार्ट अटैक से चले गए। तो हार्ट अटैक क्या है, अपने दिमाग पे ज्यादा जोर दे देना कि मुझे क्या हो गया, शायद अब मैं नहीं बचू। ये जो वर्ड है, अब मैं नहीं बचू, ये आपके बॉडी में पॉजिटिव, आपने जो बोला वो बॉडी उसी तरह से रिएक्ट किया और फाइनली आपका रिजल्ट है कि आप कोलैप्स कर गए। लेकिन अगर आप ये वर्ड बोलते कि मुझे क्या हुआ है, कोई बात नहीं, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 15 दिन में तो लोग ठीक हो रहे हैं, तो मैं भी ठीक हो जाऊंगा, इस पॉजिटिविटी के साथ अगर आप आगे बढ़ो या दूसरों को भी मोटिवेट करो कि उनकी थिंकिंग ऐसी हो कि वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इन्वायरमेंट में भी दें, पॉजिटिव अपने ऊपर भी दें, अपने फैमिलीज के साथ भी सिर्फ पॉजिटिविटी को शेयर करें, तो आप देखिएगा इसका एक चमत्कार सामने आएगा और इसका एक बहुत ही पॉजिटिव रिपोर्ट आपके सामने आएगा। तो मुझे लगता है कि आई एम नॉट अ स्पीकर टुडे, सो मैं चाहूंगी कि मैं भी अपने स्पीकर्स को सुनूं और उन्होंने जो इतनी मेहनत करी है और जो आपके लिए एक स्पेशल लेक्चर तैयार किया है, तो मैं भी सुनूं और मैं भी लाभान्वित हूं और आप लोग भी इससे बहुत सारा लाभ उठाइए। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको लगे कि हाँ इस पे इसे मुझे राइट डाउन करना चाहिए, तो आप उसको लिखिए और इस तरह के प्रोग्राम को करवाने के लिए सौरभ जी, एनएसएस यूनिट ऑफ आर कॉलेज, मिस्टर सौरभ शर्मा को बहुत बहुत शुभकामनाएं, हमारे दोनों स्पीकर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं और इस मंच पे जितने भी हमारे व्याख्यातागण जुड़े हैं उन सभी को भी बहुत सारी शुभकामनाएं, और आप बच्चों को भी कि आप इस पूरे ये लेक्चर को सुने, इससे लाभ उठाएं और इसको सिर्फ सुन करके कॉपी में बंद नहीं कर दे, दिमाग में ना रखें, इसके अच्छे अच्छे पॉइंट्स को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करें और आने वाले अभी जो 1-2 महीने हैं, जो भी क्रिटिकल फेज है आपका, उससे आप उबरने का प्रयास करेंगे। जब आप स्ट्रेस मैनेजमेंट के डेप्थ को जानेंगे, मैंने तो आपको बिहेवियरल लाइफ और अपने एक्सपीरियंस से जोड़ा, लेकिन जो मैम है और सर है वो आपको साइंटिफिकली बताएंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट से बाहर आने, कैसे स्ट्रेस को मैनेज किया जाता है, और साइकोलॉजिकली तौर से वो बताएंगे कि आपके स्ट्रेस को आप कैसे मैनेज करोगे और इस तरह के नेगेटिविटी से कैसे बाहर आओगे। तो आप सभी जो भी इसके ऑर्गेनाइजर एंड स्पीकर एंड ऑल द फैकल्टीज एंड ऑल द स्टूडेंट्स, आप घर पे रहो, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच मैम। आपने इतने अच्छे विचार अपने बताए और अपना एक एक्सपीरियंस बताया, और हम आशा करते हैं कि सभी लोग स्वस्थ रहें, आनंदमय रहें। जैसा मैम ने बताया कि हमें खुद भी खुश रहना है, दूसरों को भी खुश रखना है, और मानसिक तौर पे हमें पॉजिटिव होना है, और COVID-19 में हमें निगेटिव रहना है। निश्चित तौर पर ये पेंडेमिक का दौर बहुत कठिन समय है हम सभी के लिए, और हम सभी किसी न किसी प्रकार से स्ट्रेस में आ जाते हैं, और इसी स्ट्रेस को कैसे हम मैनेज करें, इसका मैनेजमेंट कैसे करें, इसी विषय पे आज का हमारा यह कार्यक्रम रखा गया है। और हमारे जो आज के लेक्चरर, जो भी दो स्पीकर हैं हमारे, दोनों जुड़ चुके हैं। हम मैं मतलब मैम का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, झा सर का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि आज के इस कार्यक्रम में आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सर्वप्रथम हम लोग मतलब मैम को सुनेंगे। सबसे पहले हमारी स्पीकर मतलब मैम है। मैम आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ बिल्कुल, मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है और इस कार्यक्रम में, और आपके विचारों से हमारे जो आज के प्रशिक्षु हैं सभी बहुत लाभान्वित होंगे, और जो ये समय है इसमें बहुत कठिन समय है सभी के लिए। आप बिल्कुल अपने बिल्कुल अपने ज्ञान के द्वारा हमारे सभी प्रशिक्षुओं को लाभान्वित करें। मैं आपका आज के इस कार्यक्रम में पुनः एक बार स्वागत करता हूं। तो मैम आप अपने विचारों को रखिए। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सौरभ सर फॉर गिविंग अपॉर्चुनिटी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। वेलकम मैम, वेलकम मैम। मृदुला मैम, आप अपने कैमरा को थोड़ा सा नीचे करके, थोड़ा सा और हल्का सा नीचे करके सेट करिए। नहीं, नीचे मैम, सॉरी, हाँ सॉरी
सौरभ जी थोड़ा सा इनको हेल्प यस मैम यस मैम बिल्कुल प्रॉपर प्रॉपर जब से हो जाए तो उनको बता दीजिए मैम आपका कैम ठीक है मैम थोड़ा सा और कर लीजिए थोड़ा सा बस है वैसे प्रॉपर थोड़ा सा हल्का बस ठीक है यस मैम ठीक है नाउ ओके नाउ ओके ओके मैम थैंक यू ऑनरेबल प्रिंसिपल मैम ऑल द रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय डियर लवली स्टूडेंट वेलकम वेलकम ऑल ऑफ यू टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट स्ट्रेस मैनेजमेंट आज बच्चों हम लोग बात करेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों को एक मिनट मैम पीपीटी आपका दिखाई दे रहा था आ गया था मैम एक मिनट हाँ हाँ ठीक एक मिनट बस एक मिनट लगेगा मैं खोज रही हूँ थैंक यू स्टार्ट करूं सर आज हम लोग बच्चों मेरी आवाज जा रही है यस मैम बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज चलिए थैंक यू तो आज हम लोग बच्चों क्या चर्चा करेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर चर्चा करेंगे अभी का जो माहौल है ऐसे भी हमारी रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसमें अनेक प्रकार के स्ट्रेसफुल सिचुएशन को हमको फेस करना पड़ता है हमें तनाव भरी सिचुएशन का सामना करना पड़ता है चाहे वो हर फील्ड में अलग अलग स्ट्रेस होता है उन सभी का हमें सामना करना पड़ता है तो स्ट्रेस से हमें घबराना नहीं चाहिए उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए है ना अब हम बात करेंगे कि स्ट्रेस को हम इफिशियंटली मैनेज कैसे करें स्ट्रेस तो है लेकिन अब उसको हमको मैनेज भी करना है स्ट्रेस लगातार कंटिन्यू हम नहीं रख सकते तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि स्ट्रेस क्या है व्हाट इज स्ट्रेस स्ट्रेस इज इमोशनल फिजिकल एंड बिहेवियरल रिएक्शन टू ए परसीव्ड डिमांड और थ्रेट डिमांड यानी मांग थ्रेट यानी डर तो जब भी हमारे सामने कोई ऐसी सिचुएशन कोई ऐसा डिमांड आ जाता है जो कि हमारी क्षमता एबिलिटी से ज्यादा होता है या फिर कोई थ्रेटफुल सिचुएशन आती है जिससे हमें लगता है कि हमारा नुकसान होगा या उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए हम रेडी नहीं होते हैं या फिर उस सिचुएशन को हम फेस करने के लिए हमारे पास एबिलिटी नहीं है या तो फिर सिचुएशन हमारी इच्छा के बाहर है या हमारे इंटरेस्ट का नहीं तो हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आ जाते हैं बच्चों हम इस स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें स्ट्रेस को अवॉइड नहीं कर सकते हम लोग क्योंकि हमारी जिंदगी में हर एक समय स्ट्रेस आते रहते हैं लाइफ में और उसका सामना करना पड़ता है हर स्ट्रेस को हम अवॉइड नहीं कर सकते
जीवन में तनाव आएगा ही और उस तनाव को हमें डटकर मुकाबला करना है। वर्तमान में हम लोगों का जो स्ट्रेस है COVID-19 है, तो इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे कि हम लोग कैसे घिरे हुए हैं इस सिचुएशन से और इस सिचुएशन से हमें कैसे निकलना है। तो हम पहले देखेंगे कि सोर्सेस ऑफ स्ट्रेस, हम देखेंगे पहले कि सोर्सेस ऑफ स्ट्रेस क्या है हमारा। सबसे पहला हम लोग देखेंगे सोर्सेस ऑफ स्ट्रेस, जो हम लोग देखने जा रहे हैं, हम जिसके ऊपर चर्चा करेंगे, स्ट्रेस के साधन कौन कौन से हैं, कौन कौन से सोर्स हैं जो कि हमें स्ट्रेस देते हैं। थ्रेट है पहला, दूसरा है फ्रस्ट्रेशन है, तीसरा है प्रेशर है, चौथा कॉन्फ्लिक्ट है और पांचवा है COVID-19। तो अभी जो एट प्रेजेंट जो है हमें अभी इस स्ट्रेस से लड़ रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं। तो पहला हम देखते हैं, सबसे एट फर्स्ट सबसे देखते हैं कि थ्रेट। थ्रेट का मतलब क्या होता है? कोई सिचुएशन ऐसा आ जाता है हमारे सामने जिसका कि हमें बहुत डर रहता है, जैसे नौकरी जाने का डर कि हम नौकरी मेरा चला जाएगा, या बिजनेस में लॉस इसका डर, या हमारे जीवन में निगेटिविटी आ रही है, हम अपने लाइफ का ग्रोथ मेरा नहीं हो पा रहा है उसका डर, या फिर कोरोना वायरस का डर, किसी भी प्रकार का डर जो है वो हमें स्ट्रेसफुल सिचुएशन पर ला करके खड़ा कर देता है। तो कोरोना वायरस की भी हम चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि आज फोकस उसी के ऊपर होगा, क्योंकि एट प्रेजेंट जो हमारा सबसे ज्यादा स्ट्रेस है वो है COVID-19। इस बीमारी से, इस वायरस ने हम लोगों को इस तरह डरा दिया है, इस तरह का लाइफ जीने के लिए मजबूर कर दिया है, इस तरह की लाइफ जीने के लिए डर, तनाव, अकेलापन, इस सब से हम लोग गुजर रहे हैं। जहां हमारी जिंदगी भागती दौड़ती जिंदगी में अचानक लगे इस ब्रेक और कोरोना वायरस के डर ने हम लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर पूरी तरह से प्रभाव डाल दिया है। इस बीच चिंता, डर, अकेलेपन का। हेलो मैम, सौरभ शर्मा बोलो मैम। आप स्लाइड को मूव कर सकती मैम, आगे यदि है लिखा हुआ आपका तो आप मूव कर सकती मैम, आपको दूसरा स्लाइड लेना पड़ेगा। हाँ यस मैम, बिल्कुल ले रहे, एक मिनट का ले रहे। एक मिनट लगेगा। बिल्कुल मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आराम से कीजिए। ठीक है, ओके। यस मैम, आप स्लाइड मूव कर सकती हैं, बीच में जैसे जैसे आपका होता जाए मूव करते रहिएगा जैसे भी। ठीक, हाँ ठीक ठीक, हम कर लेंगे मूव, फिर इसको बंद करके दूसरा स्लाइड हम लगाएंगे। ठीक है, तो हम अभी देख रहे थे कि व्हाट इज स्ट्रेस क्या है और इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस, इसको इसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे। सोर्सेस ऑफ स्ट्रेस क्या है इसके बारे में हम बता रहे थे अभी आप लोगों को, कि सोर्सेस ऑफ स्ट्रेस में हमने बताया कि थ्रेट, डर, जिस डर से हम लोग जी रहे हैं वो डर कौन सा है? कोरोना वायरस का, COVID-19 का। इस वायरस के कारण शुरू में तो अच्छा लगा, चलो कोरोना वायरस के कारण हम लोग सभी परिवार एक साथ रह रहे थे तो माहौल अच्छा था कि सभी लोग मिलजुल के रह रहे हैं, लेकिन फिर जो माहौल कोरोना का जो दिखने लगा
टीवी में खबर देख करके, न्यूज़पेपर में परिवार के किसी लोगों का आहत हो जाना, कोरोना वायरस से मृत्यु हो गई, कोई किसी परिवार का अचानक चला जाना, दिमाग में इस तरह से छाया रहता था डर, अभी भी रहता है कि कई लोग इस वक्त परिवार से, बहुत लोग तो ऐसे हैं जो परिवार से अकेले रह रहे हैं, दूर है फैमिली से, कहीं आ जा नहीं सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही अभी एट प्रेजेंट जो समय है वो बहुत स्ट्रेसफुल है, जिसमें मनोवैज्ञानिक पारुल का कहना है कि लोगों के लिए पूरा माहौल बदल गया है, अचानक स्कूल बंद, ऑफिस बंद, बाहर कहीं नहीं जाना है, दिन बंद अकेले रहना है, टीवी देखना है, न्यूज सुनना है, और कोरोना वायरस के बीमारी के बारे में सोचते रहना है। इसमें हम लोगों को कितने तरह का डर होता है इसको देखेंगे कि क्या स्ट्रेस में आने का क्या क्या कारण है। इसमें है लोगों को परेशान करने के लिए तीन कारण है, एक है कोरोना वायरस से संक्रमित होने का डर कि हमें कहीं पॉजिटिव नहीं हो जाए, कहीं हमें ये बीमारी नहीं लग जाए। नौकरी और कारोबार लॉकडाउन के कारण नौकरी छूटने का डर, बिजनेस में लॉस, बिजनेस नहीं चल रहा है, फैमिली को कैसे चलाना है इसका डर। उसके बाद लॉकडाउन के कारण आया अकेलापन, अकेले रहना, ये सबसे बड़ा स्ट्रेस है। तो हम देख रहे थे थ्रेट में हमको कितने प्रकार का डर हमारे लाइफ में है, तो देखते हैं इस तरह से कि हम लोगों को बहुत सारे डर है, जो डर के कारण जो स्ट्रेस आता है उसी को थ्रेटफुल सिचुएशन में हमें ला करके खड़ा कर देता है, और ये सिचुएशन जो हो जाता है हमें स्ट्रेसफुल स्ट्रेस में ला करके खड़ा कर देता है। उसके बाद हम देखेंगे फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस में आने का कारण फ्रस्ट्रेशन भी है। कई बार हम सिचुएशन को लेकर के इतने निराश हो जाते हैं कि हमारे लाइफ में केवल नेगेटिविटी ही रहती है, कोई काम कुछ ग्रोथ नहीं हो रहा है, और कुछ बातों को लेकर के कुछ लोगों से डिस्टर्ब हो जाते हैं, या कुछ ऐसा सिचुएशन होता है जिसके कारण हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। कभी कभी हमारे पास आसपास भी नेगेटिविटी रहती है, परिस्थितियां ऐसी होती है, कुछ लोग भी ऐसे होते हैं जो कि हमें स्ट्रेसफुल सिचुएशन में ला करके खड़ा कर देते हैं, लेग पुलिंग, या फिर बॉस या स्टाफ जिनके साथ हमारा नहीं पट रहा है, या जिनके साथ हमारा अच्छा रिलेशन नहीं है, इसके कारण भी फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, निगेटिविटी आ जाती है, लगता है निराश हो जाते हैं लोग, लगता है कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। इस तरह से स्ट्रेस जो है वो फ्रस्ट्रेशन के सिचुएशन में भी ला करके खड़ा कर देता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रेशर, प्रेशर जो है ये दबाव, व्यक्तियों को काम करने का प्रेशर भी बहुत रहता है। मान लीजिए कि अगर हमारी जो कैपेसिटी है उससे ज्यादा अगर हमें काम मिल गया तो उसका प्रेशर होता है, या फिर रिलेशनशिप का प्रेशर होता है उसको मेंटेन करने के लिए, ये भी प्रेशर हो सकता है, परफॉर्मेंस के लिए भी प्रेशर हो सकता है, जितनी मेरी एबिलिटी है उससे नहीं है, उससे ज्यादा हमें परफॉर्म करना है, ये भी हमारे स्ट्रेसफुल सिचुएशन में ला करके हमें खड़ा कर देता है। तो प्रेशर भी जो है ये इसके वजह से भी हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आके खड़े हो जाते हैं। तो अगर हम देखें कि अभी जो हमारा प्रेशर है क्या है, कोरोना वायरस से या इस डिजीज से हम कैसे बचे, अपना बचाव करें, इसका भी प्रेशर है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि प्रेशर भी एक सोर्सेस है, एक साधन है स्ट्रेस में आने के लिए। उसके बाद हम देखेंगे कॉन्फ्लिक्ट, टकराव, कॉन्फ्लिक्ट भी एक मेन सोर्स हम कह सकते हैं कि अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच होती है जो कि मैच नहीं खाती, हमारी सोच कुछ अलग है और लोगों की कुछ सोच अलग है,
जिस सिचुएशन में हम रह रहे हैं उसमें अगर सोच मैच नहीं खाते तो उसके कारण भी कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है। अब मान लीजिए कि अचानक जो जिस काम के लिए हम तैयार नहीं है अगर वो काम आ जाए तो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। मान लीजिए कोई स्टूडेंट ऐसा है जो पढ़ना नहीं चाहता है और फेल भी नहीं होना चाहता है लेकिन एग्जामिनेशन में अच्छा नंबर भी चाहता है तो ये कैसे होगा? इसके लिए भी कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता है कि हम पढ़ना नहीं चाहता है, फेल भी नहीं होगा, रिजल्ट भी अच्छा होना चाहिए, ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट का कारण है। इस तरह से कुछ ऐसा अचानक कुछ ऐसी चीजें आ जाती है जो कि हमें कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में ला करके खड़ा कर देता है या खड़ी कर देती है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि सोर्सेस ऑफ जो है स्ट्रेस तीन चार है जिसके कारण कि हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आके खड़े हो जाते हैं। और आप अभी जो हमारा सबसे ज्यादा अगर स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हम लोग अभी रह रहे हैं एट प्रेजेंट अगर माने तो कोविड वायरस के कारण, कोविड डिजीज के कारण हम लोग, आप लोगों को याद होगा कि हम लोग करीब 1-1.5 साल से जूझ रहे हैं इस बीमारी से। एक इस लॉकडाउन, पहला लॉकडाउन कब हुआ था? जनता कर्फ्यू लगा था 22 मार्च को, 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगा था जिसमें कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि उस दिन कोई घर से नहीं निकलेगा, एकदम बिल्कुल एक लोग भी नहीं निकलेंगे, घर में रहेंगे और शाम के वक्त थाली बजाना है, ताली बजाना है, ये सब चीज हम लोग कर रहे थे, याद होगा आप लोगों को। आप लोग याद कीजिए कि लॉकडाउन और कंप्लीट लॉकडाउन 25 मार्च से शुरू हो गया था तो हम लोग तब से झेल रहे हैं इस सिचुएशन को, लॉकडाउन खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि लोगों का कहना ये हुआ कि भाई कम होगा, कुछ अगर डिजीज कम हो जाएगा फिर ऐसा होगा कि ठीक हो जाएंगे हम लोग इस वायरस से, हम लोगों को मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ बल्कि फिर से दूसरा दौर भी आ गया। अब स्ट्रेसफुल लाइफ या सिचुएशन में लगातार रहना भी ठीक नहीं है, ये बहुत नुकसानदायक है हमारे शरीर के लिए, है ना। अब हम लोग देखते हैं कि क्या इफेक्ट पड़ता है, इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस, इसको हम लोग एक बार देखेंगे कि हमारे शरीर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, मन पे क्या पड़ता है, मेंटल हेल्थ पे क्या पड़ता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस में फिजिकल स्ट्रेस जो है, फिजिकल स्ट्रेस क्या होता है, जो हमारे दिखाई देता है, हमें महसूस होता है, जैसे हेडेक हो गया, सर दर्द, ब्लड प्रेशर हाई हो जाना, लो हो जाना, है ना, सांस में तेजी आना, या तो बहुत ज्यादा नींद आएगी या फिर नींद में कमी, आप सो ही नहीं पाएंगे टेंशन से, है ना। तो इस तरह से हमारे बॉडी पेन हो जाएगा, ब्लड प्रेशर इत्यादि बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो हमें हमारे बॉडी में दिखाई देते हैं, हमें महसूस होता है। और इस सब से हमको बाहर निकलना होगा। तो स्ट्रेस इतना नुकसानदायक है, यह हमारे शरीर पे क्या इफेक्ट पड़ता है उसे हमने देखा, फिर हमारे इमोशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इफेक्ट ऑफ इमोशन, है ना। इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में व्यक्ति मूडी हो जाता है, बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, चिड़चिड़ेपन से बात करना, है ना, बहुत सारे परिस्थितियों उनके लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं जिसके कारण वो स्ट्रेसफुल हो जाता है मेंटली। अगर मान लीजिए बिजनेस सभी के घरों की स्थिति एक जैसी नहीं होती है। मैम आपका स्लाइड मूव नहीं कर रहा। मैम हाँ हाँ नहीं मूव कर रहा है, ठीक है तो ठीक है, कर देती हूँ, ठीक है। तो हम लोग देख रहे थे कि इफेक्ट्स ऑफ इमोशन, कैसे इमोशनली हम इफेक्ट हमारा पड़ता है हमारे मस्तिष्क पे, चिड़चिड़ापन हो जाना, बातों बातों में गुस्सा हो जाना,
इमोशन को बैलेंस हम नहीं कर पाते इस सिचुएशन में, है ना, मेमोरी लॉस हो जाना, ये सब बहुत सारी सिम्टम्स हैं जो हमारे इमोशन पे दिखाई देती है और हम महसूस करते हैं इसको। उसके बाद जो है वो है इफेक्ट्स ऑफ हेल्थ, मेंटल हेल्थ जिसको बोल सकते हैं। इस इंसान स्ट्रेस को मैनेज नहीं करता है, अगर कंटिन्यू स्ट्रेस में है तो डिप्रेशन में चला जाता है। हम लोग देखते होंगे कि भाई बहुत लोग को सुनते होंगे कि ये डिप्रेशन में चला गया। क्यों चला गया डिप्रेशन में? जरूर कोई बात होगी, ये हम लोग सोचते हैं कोई गहरा सदमा लगा होगा, कुछ ऐसा कुछ हुआ होगा तभी डिप्रेशन में चला गया। इसमें क्या होता है, डिप्रेशन में लगातार स्ट्रेस अगर बना रहा तो हमारे मेंटल हेल्थ को काफी खतरा होता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी न्यूरोसिस हो जाता है ना, हम अपने याद रखने को मेमोरी लॉस हो जाता है, या तो बहुत ज्यादा वेट हो जाएगा या वेट लॉस करेंगे। इस तरह से मेंटल डिजीजेस, बहुत सारे मेंटल डिजीजेस के हम शिकार हो जाते हैं। एंजाइटी न्यूरोसिस एक साइकोलॉजिकल आपको डिजीज है जो कि हो जाता है लगातार स्ट्रेस में रहने के कारण। तो हम लोग इस तरह हम लोगों ने देखा कि क्या क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे शरीर पे, मन पे, और उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो स्ट्रेस हमारे लिए कितना खतरनाक है इसको देखना होगा, और हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन से कैसे बाहर निकलेंगे ये भी हमें देखना होगा। तो ये भी हमें देखना होगा कि हमारा जो स्ट्रेस है उस सिचुएशन से हम कैसे बाहर निकले, क्या हम लगातार इस सिचुएशन में रह सकते हैं, नहीं। स्ट्रेस मैनेजमेंट यही है कि हम इस स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें, कैसे दूर करें, इस प्रभाव को हम कैसे कम करें, कैसे मैनेज करें ताकि हम अपने लाइफ को अच्छे ढंग से जी सकें। इसके लिए हमने इसके लिए हमारे जो है नौ वेज ऑफ मैनेज, तो हाउ टू मैनेज स्ट्रेस इफेक्टिवली, कैसे हम अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, है ना, इसको हमको देखना है। तो सबसे पहला जो आता है, सबसे फर्स्ट है क्या है, वो है फिजिकल एक्टिविटी, जिसको कि हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि हम अपने तनाव को कैसे कंट्रोल में करें, कैसे हम उसको नियंत्रित करें। वी ऑल हैव टू लर्न टू हैंडल स्ट्रेस, कैसे हम अपने जो स्ट्रेस को नियंत्रित करें, कैसे हम उसको दूर करने की कोशिश करें। तो हम इसको सबसे पहला जो हम लोग देखते हैं फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज, जिम। आप लोग जानते होंगे कि कैसे हमारे तनाव को दूर करता है एक्सरसाइज, जिम जाने से क्या होता है, एक्सरसाइज से क्या होता है, योगा से क्या होता है, जिम जाने से क्या होता है, शारीरिक और मानसिक तौर पे बहुत सकारात्मक बदलाव लाता है, बहुत चेंजेज आते हैं हमारे बॉडी में, मेंटली और फिजिकली भी हमारे में बहुत चेंजेज आते हैं। सबसे पहला चेंजेज ये आता है कि हम सुबह जिम या एक्सरसाइज हम सुबह करते हैं तो एक उठने की आदत हो जाती है हमें। सुबह उठ करके हम क्या करेंगे, जाएंगे जिम करना है हमको, एक्सरसाइज करना है, फ्रेश होकर के लोग इसके लिए तैयार हो जाते हैं जिम के लिए। और लोग घर में भी रखते हैं ऐसा कि घर में भी कर सकते हैं एक्सरसाइज, कुछ लोग बाहर जाते हैं। और तनाव से बचने के लिए, स्ट्रेस को कम करने के लिए, मैनेज करने के लिए ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप एक्सरसाइज करें, फिजिकली एक्टिविटी आप जितना हो सके वो करें तो
दौड़ें आप वॉकिंग करें, मॉर्निंग वॉक करें, एक्सरसाइज करें, जिम करें, इससे क्या होगा कि हम अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं और अपने लाइफ को अच्छी बना सकते हैं। उसके बाद क्या है, ब्रीथिंग टेक्निक, इसमें क्या है, योगा है ना, योगा है, मेडिटेशन है, योगा के द्वारा हम बहुत सारे, हम लोग जानते हैं कि योगा के द्वारा बहुत सारी बीमारियों को भी हम ठीक कर सकते हैं, केवल अपने स्ट्रेस को ही कम नहीं कर सकते हैं बल्कि उससे हमारे जो है फिजिकली हम एकदम फिट रहते हैं और उससे हमारे बहुत सारे डिजीज दूर होते हैं। इसलिए सुबह उठ करके लोग आपको योगा भी करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, जिससे कि हमें मेंटली बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है, टेंशन से हम फ्री होते हैं, है ना। इस तरह से योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया, ये जो है बहुत राहत देती है हमारे स्ट्रेसफुल सिचुएशन को कम करने के लिए, स्ट्रेस से हमें उबरने के लिए, बाहर निकलने के लिए। मेडिटेशन तो आप देखते होंगे तरह तरह के ऑनलाइन, यूट्यूब में भी, फेसबुक में भी आपको एक से एक मिलेंगे जो लोग आपको बताते हैं, तरीका बताते हैं कैसे करना है और योगा कैसे करना है, किस तरह से हम अपने शरीर का बचाव कर सकते हैं, अपने मन का बचाव कर सकते हैं, तो और स्ट्रेस से हम कैसे उबरते हैं, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं इसके बारे में, और ये कितना हमारे लिए बेनिफिटेड है, कितना उपयोगी है, ये इम्पोर्टेंस है कि हम अपने स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए ये बहुत अच्छा एक टेक्निक है, एक तरीका है। उसके बाद है लाफ्टर, तो ये तो हम लोग सभी जानते हैं, ये भी एक नया रिसर्च ही है कि लाफ्टर के द्वारा कैसे हम अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। तो जोर जोर से हंसना, ये भी एक बहुत बड़ा थेरेपी है, जिसको कि थेरेपी भी बोल सकते हैं। इससे क्या होता है, हमारे पूरे बॉडी का जो है वो एक्टिविटी हो जाता है हंसने से, और जिससे कि हमारा मेंटली और फिजिकली दोनों सहायता करता है आपको। लाफ्टर के द्वारा भी हमने बहुत सारे रिसर्च हुए हैं और ये कहा गया है कि हंसना कितना जरूरी है हमारे हेल्थ के लिए, और हंसने से, लाफ्टर से क्या होता है, हमारे स्ट्रेस में कमी आती है और हम खुश रहते हैं, जिसके कारण ये हमारा जो मेंटली, जो मेंटल टेंशन है उससे हम राहत पाते हैं। तो इस तरह से लाफ्टर भी बहुत हमें रिलीफ देती है इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से। अब हम देखेंगे मी टाइम, अपना टाइम मेरा क्या, हम अपने लाइफ को हर काम में तो बिजी रखते हैं, कभी अपने घर के लिए, कभी ऑफिस के लिए, या फिर और भी कई एरिया है जो हमारे लाइफ का, उसमें हम समय देते हैं, लेकिन अपने लिए हम भूल जाते हैं कि हमें, हम क्या चाहते हैं, हमारी क्या इच्छा है। अगर हम अपने लिए, अपनी इच्छा के लिए अगर कुछ करें, समय दें, ये बहुत बड़ा, ये स्ट्रेस फुल सिचुएशन से बचने का, ये एक मैनेज करने का एक बहुत ही अच्छा उपाय है कि हम अपना ही लिए समय निकालें, हम अच्छी म्यूजिक सुने, वही म्यूजिक जो मुझे बहुत पसंद है वो सुने, या फिर हमारी जो हैबिट थी या जो हॉबी थी मेरी, जो मेरी इच्छा थी वो करने की, वो अभी हम इस COVID-19 के टाइम में, चूंकि अभी हम घर में रह रहे हैं, तो ये हमारी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी तो नहीं कहेंगे क्योंकि हम अभी स्ट्रेसफुल लाइफ बिता रहे हैं, एक डर का थ्रेटफुल सिचुएशन में है, लेकिन इस टाइम को, इस स्ट्रेस से बचने के लिए हम अपने समय का यूज कर सकते हैं, मेरी जो हॉबी है उसको हम पूरा कर सकते हैं, मेरे अंदर जो क्रिएटिविटी है उसको हम पूरा कर सकते हैं, और इसमें क्या होता है कि हम अपने लिए समय निकालते हैं तो हम स्ट्रेसफुल लाइफ, जो मेरा स्ट्रेसफुल सिचुएशन होता है उससे हम बाहर निकलते हैं और हमें मेंटली अच्छा लगता है। देखते हैं, अभी आप लोग देखते होंगे कि यूट्यूब पे या फेसबुक पे बहुत नए नए गायक को देखने का मौका मिलता है हम लोगों को,
गायकी सुनने का मौका मिलता है बहुत लोगों का, बहुत सारे प्लेयर्स भी आते हैं, हम लोगों ने देखा है फेसबुक पे गाते हैं और अपने टैलेंट को किस तरह से बाहर ला रहे हैं। तो ये चूंकि अभी कोरोना वायरस के कारण ये माहौल है, तो ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन से उबरने का ये सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपने आप को बिजी रखें और उसमें बिजी रखें जिस चीज से हम, मुझे इंटरेस्ट है मेरा, जिसको कि हम पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। और अगर हमारे अंदर मेरा मेरी गला अगर सुरीली है, अगर हम कुछ गा सकते हैं तो हम जरूर गाना चाहिए। और इस सिचुएशन से बचने के लिए, इस स्ट्रेस से बचने के लिए जरूर हमको अपने अपने लिए समय निकालना चाहिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बचने का एक बहुत अच्छा तरीका है। उसके बाद है लिमिट कॉफी टीम, यह तो बहुत जरूरी है कि चाय या कॉफी, लिमिट कॉफी, यह तो बहुत जरूरी है कि चाय या कॉफी कम पीना चाहिए, क्योंकि कॉफी में, खास करके कॉफी में बहुत निकोटीन होता है, निकोटीन की मात्रा ज्यादा होती है जो कि हमें आदत बना देती है कि अगर हम बहुत ज्यादा पीने से क्या होता है कि हमारे जो है मस्तिष्क में, मेंटल में वो कुछ ऐसी निगेटिविटी इसमें चीज रहती है जो कि निकोटीन जो कि जमा हो जाती है, जो हमारे लिए बाद में स्ट्रेस का कारण बनती है और हमारी नींद को भी कम कर देती है, भूख को भी कम कर देती है। इसलिए लिमिट कॉफीन को बताया गया है कि ये भी एक तरीका है हमारे स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, कम करने के लिए हमें इसको लिमिट कर देना चाहिए। अगर आपकी आदत है पीनी ही है तो इसको कम कीजिए। उसके बाद क्या है, स्लीप मोर, इसमें क्या है कि हमें अच्छी नींद सोनी चाहिए, हमें हमारे लिए जरूरी है कि हम 7 से 8 घंटा जरूर सोए और स्लीप साउंड सोए, अच्छी नींद, गहरी नींद में सोए, ताकि इससे क्या होता है कि हमारा जो है जो स्ट्रेस है उतने देर के लिए हम उससे रिलीफ पाते हैं और हम अपने आप को उससे उससे सबसे ज्यादा हमारा ये टाइम जो होता है सोने का, ये हमें इसके लिए टाइम निकालना चाहिए। और टाइम सोने का टाइम ऐसा नहीं कि हम कम काम कर लें और सोए कम, तो इसमें इससे भी स्ट्रेस बढ़ हो जाता है, ज्यादा नींद अच्छी नहीं आती है, कोई काम करने में भी अच्छा नहीं लगेगा और स्ट्रेस लगेगा कि जैसे कुछ खिंचा खिंचा सा है। तो हमारे स्ट्रेस को कम करने के लिए हमें अच्छी नींद की जरूरत है और हमें अच्छी नींद लेनी भी चाहिए। तो ये इस तरह हमने देखा कि नींद हमारे स्वास्थ्य के लिए, शारीरिक और मानसिक हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है और इसके लिए हमें अपना टाइम टेबल बनाना चाहिए, सोने की नींद 7 से 8 घंटा जरूर सोएं, ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा। उसके बाद है क्या, बैलेंस डाइट, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलेंस डाइट कहते हैं, अरस्तु ने कहा है कि हेल्दी शरीर में ही हेल्दी मस्तिष्क होता है ना। तो इस तरह से बैलेंस डाइट जो है, हमें खाना भोजन जो है पूरे बैलेंस पोषक तत्वों से भरपूर होनी चाहिए। पौष्टिक भोजन करने से क्या है, हमारे शरीर और मन को प्रसन्न रखने के लिए जरूरी है, खुश रखने के लिए जरूरी है कि हम अपनी जो भी है हमारा बैलेंस डाइट हम ले और उसमें विटामिन, प्रोटीन और इन सब चीजों की पर्याप्त मात्रा में हो, जो हम भोजन करने जा रहे हैं, जो हमारा डाइट है उसमें समय से भोजन करें, समय से ब्रेकफास्ट करें, लंच करें, डिनर करें, इसका एक टाइम बना लें, ये भी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, उसके बाद आपने भोजन का समय निकाल दिया, उसके बाद आप कर रहे हैं, इससे भी ये भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में लाके खड़ा कर देता है। इससे बचने के लिए हमें क्या चाहिए कि बैलेंस डाइट, हमें संतुलित भोजन, पौष्टिक भोजन की बहुत आवश्यकता है और हमें और वो भी टाइमली, ब्रेकफास्ट लंच डिनर टाइमली हो,
ब्रेकफास्ट किस ढंग का हो जो कि हमारे लिए बेनिफिटेड रहेगा, लंच किस ढंग का हो, और डिनर, डिनर कहते हैं कि लोग लाइट करना चाहिए, हल्का करना चाहिए रात का भोजन, तो डिनर और वो बना लेना चाहिए, एक टाइम टेबल, एक मेनू बना लेना चाहिए, उसके हिसाब से हमें बैलेंस डाइट करना चाहिए। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि हमारे लिए भोजन, संतुलित भोजन, बैलेंस डाइट कितनी आवश्यक है। तो ये अगर हमारा शरीर अच्छा है तो मन भी प्रसन्न रहता है, इसलिए जरूरी है कि बैलेंस डाइट हमें लेनी चाहिए। उसके बाद क्या है, एरोमा थेरेपी। एरोमा थेरेपी, एरोमा थेरेपी के बारे में आपने सुना होगा, शायद सुना है या नहीं। एरोमा थेरेपी होता है एक प्राकृतिक चिकित्सा होता है, एक प्राकृतिक चिकित्सा होता है जिसमें कि पेड़ पौधों जो है, जो पेड़ पौधे होते हैं, उस पेड़ पौधे से अर्क निकाला जाता है और उससे एक ऑयल बनता है ना, उस ऑयल को यूज करते हैं हम लोग। क्या करते हैं उस, देखिएगा एरोमा थेरेपी अभी बहुत इफेक्टिव, बहुत इफेक्टिव है, अभी आपको मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा, आपको आयुर्वेदिक औषधि के दुकान में मिल जाएगा, आपको मॉल उल में ये सब में भी मिल जाता है आजकल। एरोमा थेरेपी, एरोमा थेरेपी है प्राकृतिक प्लांट्स जो होते हैं, नेचुरल प्लांट, उनसे उनका अर्क लेकर के तेल बनाना, ऑयल बनाना, उसमें कुछ आपको सुगंधित तेल भी होते हैं जिसको मिला करके ये ऑयल बनाया जाता है। उससे क्या क्या हम लोग करते हैं, इनहेल करते हैं हम, उससे मसाज करते हैं, पूरे बॉडी का मसाज करवाते हैं उससे, उसका स्टीम भी लेते हैं और क्या करते हैं, बात भी लेते हैं, बहुत लोग उसका बात भी लेते हैं। और इस तरह से क्या करते हैं हम लोग कि इसका मसाज, अगर एरोमा थेरेपी अगर कोई स्पेशलिस्ट है, कोई एक्सपर्ट है, उसके द्वारा हम लोग करवाते हैं एरोमा थेरेपी, तो हमारा जो है वो दोनों शारीरिक और मानसिक, मनोवैज्ञानिक दोनों लाभ होता है। क्या होता है कि हम जो है वो तेल लगाने के बाद जो मसाज होती है, उसके बाद हमें बहुत रिलीफ मिलता है, बहुत रिलैक्सेशन मिलता है और हम जो है अपने स्ट्रेस में बहुत कमी पाते हैं। तो एरोमा थेरेपी भी अभी के समय में मॉडर्न जो अभी हमारा जो एट प्रेजेंट है वो भी काफी इफेक्टिव है। एरोमा थेरेपी को लोग, बहुत लोग यूज करते हैं, ब्यूटिफिकेशन के लिए भी इसको यूज किया जाता है, ये नेचुरल प्लांट से लिया जाता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। एरोमा थेरेपी भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। उसके बाद है लास्ट जो है वो है मेक लिस्ट, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट लिस्ट एक बनाना चाहिए हमें अपने डेली लाइफ के लिए कि सुबह से हम क्या क्या करेंगे, एक लिस्ट बनानी चाहिए कि सुबह उठ के हमें क्या करना है, किस किस टाइम में हमें क्या करना है, अपने लिए हमें कुछ समय निकालना चाहिए कि हमें क्या करना है अपने लिए, ठीक है ना। और लिस्ट बना करके अगर हम अपने लाइफ को या अपनी दिनचर्या की शुरू करते हैं और टाइमली, टाइम के अनुसार, टाइम मैनेजमेंट जो हम बनाते हैं और उसके अनुसार अगर हम कार्य करते हैं तो हमें काम की चिंता नहीं रहती है। हमारा, हम पूरा समय देते हैं लिस्ट में, जो टाइम मैनेजमेंट है हर चीज के लिए, योगा के लिए टाइम निकालते हैं, आपको अपने डाइट के लिए या जो जो मेरा काम है उसके लिए हम टाइम, सबके लिए टाइम मैनेजमेंट करते हैं और उसके अनुसार अगर हम काम करते हैं कोई स्ट्रेस नहीं होता है हमारे लाइफ में और हम उस टाइम के अनुसार अपने हर कार्य को करते हैं, उसमें हम अपने लिए भी टाइम रखते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि इन सब चीजों से क्या है कि हम अपने टाइम का जो है पूरी तरह फायदा लेते हैं। हमारा जो समय है, दिन है मेरा, उसमें हमें क्या करना चाहिए, किस समय क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज जिसमें हमने अभी आप लोगों को बताया कि फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज है, जिम है, बहुत लोग मार्शल आर्ट करते हैं वो है, उसके बाद मेडिटेशन करते हैं,
कम से कम मेडिटेशन में है कि 2-3 बार जरूर करें इसको। उसके बाद जितने चीजें हमने बताई आप लोगों को, जितना तरीका बताया, उपाय बताया, वो सब क्या है कि हम कैसे मैनेज करें, कैसे मैनेज करें हम स्ट्रेस को, कैसे कम करें हम अपने स्ट्रेस को, अपने तनाव को। तो इन सब चीजों के द्वारा जो हमने आप लोगों को दिया अभी बताया, मुझे लगता है कि इससे हमारा स्ट्रेस जरूर कम हो जाएगा। अब अभी का जो माहौल है उसमें कोरोना वायरस का, कोविड-19 का, इसमें हम इन सब चीजों को अगर अप्लाई करेंगे तो जरूर हमारा समय कटेगा और हम अपने स्ट्रेस से उभरेंगे। अब लगता है कि हम अपने आप को बिजी रखेंगे ये सब चीजों में, इन सब चीजों में। गार्डनिंग करें, हम अपने समय का उपयोग करें, गार्डनिंग में भी हम अपना टाइम वेस्ट टाइम लगा सकते हैं, अपना जो शौक है, बहुत लोगों को गार्डनिंग का शौक होता है तो उसको पूरा कर सकते हैं। इस तरह से बहुत चीजों को हमने देखा जिसको कि हम अप्लाई करेंगे तो हमारा स्ट्रेस कम हो जाएगा। एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी बच्चों की, जो कि मुझे लगता है कि मुझे बताना चाहिए आप लोगों को, वो ये है कि आप लोगों को याद होगा कि 22 मार्च को प्रधानमंत्री ने क्या किया था, कोविड, जब प्रधानमंत्री ने देखा कि बहुत स्ट्रेसफुल है पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व सभी स्ट्रेस में है, तो उन्होंने सोचा कि क्या किया जाए इसके लिए। उन्होंने एक बहुत अच्छा लॉजिक निकाला, बड़े दिमाग की बात उन्होंने की, जिसे कि मैं खास करके महसूस करती हूँ, मेरा ये अपना ओपिनियन है, अब और लोगों की बात मैं नहीं जानती। मुझे याद है वो दिन 2020 का 22 मार्च का, ये कि उन्होंने हम लोगों को कहा था कि आप लोग शाम में थाली बजाई, घर से नहीं निकले, संडे का दिन था, थाली बजाइए, संख बजाइए, घंटी बजाइए और रात को दीपक जलाइए। इन सब चीजों को हमने किया था और लगा था कि कोरोना भाग जाएगा। हाँ, बहुत लोग इसमें, बहुत लोग हंसने वाले भी हैं, बहुत लोगों ने हंसा था कि वाह सैनिटाइज करवाना चाहिए और दूसरा देश ये करवा रहा है और हम ताली और थाली बजा करके कोरोना का कैसे भगा पाएंगे। इस ये एक मैंने व्यंग का रूप भी इसको दिया गया, कॉमेंट किया गया, बहुत लोगों ने इस पर कॉमेंट किया। लेकिन मेरा जो अपना व्यू है, मैंने जो किया, ये उनका जो प्रयास था, ये जो उनकी कोशिश थी, वो था उनका स्ट्रेस मैनेजमेंट। वो इस तनाव से, इस टेंशन से, इस एंजाइटी से हम लोगों को बाहर निकालना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हमारे माइंड को डाइवर्ट कर दिया। और डाइवर्ट करके वो उन्होंने इस बात से डाइवर्ट किया कि हम ये कोरोना को दूर भगा देंगे, ताली बजाएंगे, तेज आवाज से कोरोना दूर भाग जाएगा। ये उनका एक प्रयास था, एक कोशिश थी। क्या था वो? उनका था स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो इस चीज को, ये मेरा अपना व्यू है, मेरी अपनी सोच है बच्चों। तो मुझे लगता है कि अगर हम अपने स्ट्रेस को अगर कुछ कम करना चाहें, अगर हम चाहें कि हमारा स्ट्रेसफुल सिचुएशन से हम बाहर निकलना चाहें, कि ये बेस्ट है कि हम अपने माइंड को डाइवर्ट करें, कुछ दूसरी दिशा की ओर, डायरेक्शन की ओर ले जाएं। तो मैं कोरोना वायरस के कारण अभी पूरा सारा देश ही नहीं पूरा विश्व डरा हुआ है इस सिचुएशन में, सभी लोग स्ट्रेसफुल हैं। और इससे बाहर निकलने के मैंने जो उपाय बताए, जरूर कोशिश करनी चाहिए इन सब चीजों से, इसको अप्लाई करके हम अपने स्ट्रेस से बाहर निकले, स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाहर निकले, अपने परिवार को समय दें, अपने फैमिली को समय दें और उसके साथ अच्छे से अच्छे बिहेवियर के साथ उनके मेंटल, जो मेंटली लोग थोड़े थ्रेटफुल हैं, उनको हम संतावना दें, उनको हम अच्छी अच्छी बातें करें, अच्छा अच्छा काम करें इस। और सबसे बड़ी बात जो है कि हम दूरी बना के रखें इस कोविड-19 बीमारी से, डिजीज से। जब तक हम उबर नहीं जाते तब तक हमें ये सब सावधानियां, ये प्रिकॉशन लेना ही पड़ेगा कि हम थोड़ी दूरी बना करके रखें, घर से बाहर नहीं जाएं। सरकार, गवर्नमेंट की तरफ से जो भी निकलता है तो वो ऑर्डर या नॉर्म्स जो भी है उसको हम फॉलो करें। ये हम
इसको जरूर हमें करना चाहिए। एक चीज जो सबसे बड़ी बात है, जो हमें सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में लाके खड़ी कर देती है, वो है खबरों की ओवरडोज। टीवी खोलिए तो वहां ये ऐसी सिचुएशन है, इतने लोग मर रहे हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम टीवी और ये इस सब पर ज्यादा अपना समय नहीं बिताएं। उससे अच्छा है कि हम अपने, इससे और हमारी परेशानी बढ़ जाती है। दिखता है यहाँ इतने लोग मर गए, यहाँ ये हो गया। तो उस एक मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। एक दिन मैं लंच कर रही थी, उस समय टीवी खुला हुआ था, और जब मैंने लाशों की ढेर देखी तो मैं खाना छोड़ दी, मैंने खाना छोड़ दिया, मैं खाना छोड़ करके उठ गई। उस समय मैं इतने स्ट्रेस में आ गई थी बच्चों कि मैं कह नहीं सकती आप लोगों को। इस तरह से हम लोगों को इससे बचना चाहिए, खबरों की ओवरडोज नहीं लें। कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, उससे बिल्कुल भी एकदम मतलब नहीं रखिए। ऑनलाइन में बहुत सारा ऐसा भी न्यूज आते हैं जिसे कि हम डर जाते हैं, ट्रेडफुल सिचुएशन में आ जाते हैं, उन सबको अवॉइड कीजिए आप लोग बच्चों। और तनाव से मुक्ति के लिए एक गवर्नमेंट की तरफ से कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमण से अपने संकट और लॉकडाउन के प्रभाव को व्यक्ति के जीवन शैली के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य पर जो इतना बड़ा प्रभाव पड़ा है, इन सब परिस्थितियों और तनावग्रस्त और अवसादग्रस्त जो सिचुएशन है उससे बचने के लिए हमारे जो है स्वास्थ्य विभाग हेल्थ मिनिस्टर के अनुसार जो उनके उन्होंने कहा है कि मनोवैज्ञानिकों से परामर्श लें, साइकोलॉजिस्ट से आप एडवाइस लें। हेल्पलाइन की सुविधा ऑनलाइन पे है, उपलब्ध है, अवेलेबल है, जो कराई गई है हम सबों के लिए। आप हेल्थ विभाग की ओर से ये हेल्पलाइन है, आप लोग ध्यान देंगे बच्चों। हेल्पलाइन नंबर है 1800-133-0175। ये सब नंबर है, हेल्पलाइन है, जिसमें कि आपको अगर ज्यादा परेशान है, आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में है, तो आप साइकोलॉजिस्ट से आप मदद ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं, उनसे अपनी जो सिचुएशन है उसको शेयर कर सकते हैं और उनसे हेल्प ले सकते हैं। तो इस तरह मैं, मेरा अब ये लेक्चर अंतिम पड़ाव पे है। मैं अब ये कहना चाहूंगी कि सब हम लोग, आप लोग बच्चों सब घर में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, और फॉलो करते रहें जो सावधानियां हम लोगों के लिए है उसको फॉलो करते रहें। और मैं एक चार लाइन की पंक्तियां मैं दोहराना चाहूंगी, मैं बोलना चाहूंगी आप लोगों के बीच में, सुने जरा ध्यान से। टूटे ना कोई और सितारा, आओ दुआ करें। टूटे ना कोई और सितारा, आओ दुआ करें। बिछड़े ना कोई हमसे हमारा, आओ दुआ करें। बिछड़े ना कोई हमसे हमारा, आओ दुआ करें। तूफा है तेज, कश्तियां सबकी भंवर में। तूफा है तेज, कश्तियां सबकी भंवर में है। सबको मिले किनारा, आओ दुआ करें। सबको मिले किनारा, आओ दुआ करें। थैंक यू सो मच मैम। बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया कि किस तरह से हमको अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट इस समय करना है, और हम सभी किस इस कोविड-19 पैंडेमिक दौर में स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, और निश्चित तौर पे हम सभी को अपने टाइम का मैनेजमेंट करके, जिसमें हमें प्रॉपर योगा करके, मेडिटेशन करके, अपने बैलेंस डाइट लेके, और अपने को समय देकर और अपनों को समय देकर, वेरी गुड, इन सबका ध्यान रखना है। और जो भी चीजें हैं, जो ऑक्सीजन लेवल हमारी बढ़ा लें, इस तरह के उपाय हमको करने हैं, तो ये सब चीजें हमारे स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए लाभान्वित होंगी। और आपने कई तरह की जानकारियां दी, निश्चित तौर पे हमारे जितने प्रशिक्षु जुड़े हुए हैं सभी को इसका लाभ मिलेगा, और आपकी बातों को सबने अपना सुनकर अपना ज्ञान बढ़ाया है। मैं अब, हमारा ये क्वेश्चन आंसर सेशन है, यदि किसी प्रशिक्षु को अपना किसी प्रकार का कोई प्रश्न है तो वो अपना हैंड राइज कर सकते हैं,
और उनके प्रश्नों का उत्तर मृदुला मैम या हमारे फैकल्टी मेंबर दे सकते हैं। यदि किसी भी प्रशिक्षु का किसी प्रकार का कोई प्रश्न है वो सुष्मिता सिंह, मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि यदि आप प्रॉपर पॉस्चर में हैं तो सभी प्रशिक्षु अपने वीडियो को ऑन कर लें, प्रॉपर पॉस्चर में रहिएगा और अपने वीडियो को ऑन कर सकते हैं आप एक बार, सभी अपने वीडियो को ऑन कर लें। तो सुष्मिता आप अपने प्रश्न को पूछ सकती हैं। सुष्मिता नीरज जी से रिक्वेस्ट है कि नीरज जी क्या सुष्मिता को आप अनम्यूट करेंगे कि सेल्फ अनम्यूट कर सकती हैं? सुष्मिता आप चैट बॉक्स में भी अपने प्रश्न को लिख सकती हैं। सुष्मिता क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? किसी भी और प्रशिक्षु का कोई भी प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं, हैंड राइज कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सुष्मिता आप बोल रही है ना? यस सर, यस सर। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम, टीचर्स एंड माय ऑल डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा एक क्वेश्चन है, क्या मैं पूछ सकती हूँ? बिल्कुल। जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि अभी कोविड 19 का दौर चल रहा है, इससे हम क्या पूरा विश्व इससे अभी जूझ रहा है, और ऐसी स्थिति में हम अपने घरों के चार दीवारी में पैक हो गए हैं, और हम जिस स्टेज से अभी गुजर रहे हैं ऐसे स्टेज में हम ज्यादातर वातावरण के साथ रहना पसंद करते हैं, फैमिली से ज्यादा हम फ्रेंड्स को इम्पोर्टेंस देते हैं और हम अपने फ्रेंड्स के ज्यादा के साथ ज्यादा समय व्यतीत करना चाहते हैं, और हमारे नेचर में कंटिन्यू परिवर्तन भी होते रहता है, तो ऐसी स्थिति में हम अक्सर देखते हैं कि बच्चे मोबाइल या फिर टीवी के ज्यादा आदि हो रहे हैं और मतलब देखना ज्यादा पसंद करते हैं, और उस वजह से भी वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस में रहते हैं। जैसे कि हम टीवी देखते हैं तो हमारा भी मन होता है, जैसे कि टीवी में हम किसी को देख रहे हैं कि हम भी उसके जैसा बने, ये करे वो करे, इस वजह से हम स्ट्रेस में रहते हैं, तो हम इस चीज को कैसे ठीक करें, और इस वजह से बच्चे के आंखों में और माइंड में भी काफी इफेक्ट पड़ता है टीवी और मोबाइल के वजह से, हम अपने आसपास के लोगों से या फ्रेंड से अभी मिल नहीं सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम फोन से ही उनसे अपना कम्युनिकेशन बनाते हैं, तो इस चीज को हम कैसे ठीक करें? ठीक है, सौरभ मैं इसका आंसर करूं? यस मैम। मृदुला मैम मैं आंसर करूं? हाँ जी मैम, जी मैम। एक्चुअली हम लोग थोड़ा एक्सपीरियंस अपना शेयर करें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे घर में भी बच्चे हैं और सुष्मिता ने जो क्वेश्चन करा है तो वो बिल्कुल सही है। तो एक्चुअली आप अपने बच्चे का ध्यान डाइवर्टिंग अभी आया था ना कि आप उनका ध्यान को डाइवर्ट कर सकते हो, तो आप बोलोगे कैसे हो सकता है, तो हम लोग देखते थे कि ट्यूशंस हो या म्यूजिक क्लासेस हो या ड्राइंग क्लासेस हो, तो जब हम लोग देखते हैं गर्मी की छुट्टियां आती थी तो हम लोग उनको स्पेशल कैंप में डालते थे, जैसे आप देख पा रहे हो। सुष्मिता आप सुन पा रहे हो? आप अपने आप को अनम्यूट करो। सुष्मिता आप सुन पा रहे हो? सुष्मिता हेलो, सौरभ उनको कनेक्ट करिए, आप अपने आप को अनम्यूट करिए, मैं आपसे ही कन्वर्सेट कर रही हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ। सुष्मिता, सुष्मिता आप अपने को अनम्यूट कर सकती हैं। हाँ तो आप सुनिए, जैसे हम लोग क्या करते थे कि 20 दिन की गर्मी छुट्टियां, उतने में भी अपने बच्चों को हम लोग क्या करते थे, टॉलरेट नहीं कर पाते थे। आप याद कर पा रहे होंगे कि जब इनकी एक महीने की या डेढ़ महीने की छुट्टियां आती थी तो हम टॉलरेट नहीं कर पाते बच्चों को, चार घंटे जब वो स्कूल में होते तो हम लोग बड़ा पीसफुल फील करते थे। तो अभी का जो ये माहौल है ये तो पूरे साल ऐसा चल रहा है, तो आप अपने बच्चों को ऑनलाइन ड्रॉइंग क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, चाहे वो मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हो, उस तरीके के बहुत सारे एप्स वगैरह आ गए हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, लैंग्वेज आप डिफरेंट लैंग्वेज में बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हैं, जैसे वो फ्रेंच सीखना चाह रहे हो या कुछ भी। तो अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है कि कौन सिखाता है, कैसे सिखाता है, उसका पेमेंट मोड क्या है, तो वही मैं बोली कि
अभी हम लोग सारे फैकल्टीज और हम लोग सभी फ्री हैं, आप कन्वर्सेट करें कि बच्चों को हम कैसे डाइवर्ट करें। मैं अपने ही घर का बता रही हूँ, अपने बच्चों को हमने ड्राइंग क्लासेस, जबकि ये फैकल्टी है वेस्ट बंगाल की, तो उनको रख रखा है। अब क्या है कि वो उन्होंने उनको दे दिया कि आप एक वीक में ये ड्राइंग करना। अब बच्चा क्या है, अपना ड्राइंग बॉक्स उठाया और कहीं जाके पेपर पे बैठ गया। मेरा बच्चा तो बहुत ज्यादा मोबाइल और टीवी का एडिक्ट था, और मैं अभी देख रही हूँ दिन भर वो A4 साइज पेपर लेके या ड्राइंग कॉपी लेके अपना पूरा बक्सा लेके घूमता रहता है, हम कहाँ बैठे क्या बनाए। तो सुष्मिता जी इज वेरी बिहेवियरल कि आप उनको डाइवर्ट करने के लिए एडमिशंस करवाओ, कोडिंग क्लासेस चल रहे अपने ये के हिसाब से कि आप कितना एफर्ट कर सकते हो, कोडिंग क्लासेस चल रहे, आप बच्चों को कोडिंग क्लासेस में डालो, मैथ्स क्लासेस में डालो, साइंस के क्लासेस चल रहे हैं लाइव, ड्राइंग क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस चल रहे हैं, हारमोनियम तबला है, गिटार है। आप उनको डाइवर्ट करने के लिए पहले तो ये सोचो कि उनका इंटरेस्ट किस में है, आप उनको ऑनलाइन क्लासेस में डालो, ये मेरा एकदम नेक सलाह रहेगा। और देखिएगा बच्चा एकदम से डाइवर्ट हो जाएगा, लेकिन उनका इंटरेस्ट होना चाहिए, और नहीं तो आप उनमें इंटरेस्ट को जगाओ कि बच्चे चलो ड्राइंग करेंगे, आप भी उनके साथ बैठो, आप भी कोई सैनरी को बनाओ, आप भी उनके साथ पेड़ बनाओ, आप भी उनके साथ घर बनाओ, आप देखना कि आप और वो और भी साथ में जो बच्चे हैं सब बहुत खुश रहेंगे। आप इसको ट्राई करके देखना, वो बिल्कुल मोबाइल और फोन से सबसे दूर हो जाएंगे, मैं बता रही हूँ आपको। ओके मैम, हम इस चीज को मतलब हम अपने आप को खुद को कैसे मतलब दूर रखें ये स्पेस से? आप एक तो टीवी में न्यूज सेक्शन बंद करो घर का, आप उसमें फेवरेट सीरियल्स, डांस का जो भी लाइव शो आता है, म्यूजिक का शो आता है, आप उसमें इन्वॉल्व करो अपने आप को, फेवरेट मूवीज है वगैरह कोई आप देखो घर में। अगर आप सिर्फ मतलब कितने लोग हो ये बता दो, जैसे मैंने कहा ना राइट नाउ आई एम फ्री, यू कैन टेक माई नंबर एंड टॉक टू मी, क्योंकि ये पर्सनल हो जाएगा, फिर मैं पूछूंगी आप कितने लोग रहते हो, क्योंकि उस हिसाब से आप अपने आप को डाइवर्ट करो। घर में अगर पेरेंट्स हैं तो आप उनके साथ बातचीत कर सकते हो, उनके साथ इन्वॉल्व हो सकते हो, कैरम खेल सकते हो, लूडो खेल सकते हो। आपको भी अगर किसी चीज में इंटरेस्ट है और आप अपने यंग लाइफ में नहीं कर पाए, कॉलेज लाइफ में नहीं कर पाए, आप उन चीजों में एडमिशंस ले लो ऑनलाइन और आप अपने आप को वहां डाइवर्ट करो। जो भी चीजें लाइफ में नहीं कर पाए, इवन की कोई बड़ी हो जाती है 25 ईयर्स की हो जाती है और बचपन में उनको डांस का शौक है, अगर आप वो नहीं कर पाए आज आप एडमिशन लो, आप यू कैन डू, आप वहां डाइवर्ट हो, 2-3 घंटे तो आपके ऐसे निकलेंगे, और उसको सोचने में कि अब हम नया क्या करें, क्रिएटिव क्या करें, इसको सोचने में 2-4-5 घंटे निकल जाएंगे। कुछ नहीं है तो 10 गमले ले आओ घर में और अपने फेवरेट फ्लावर्स को लगाओ, मेडिकेटेड प्लांट्स को लगाओ, आप उनके साथ इतना कनेक्ट करोगे, पानी डालो और जब उसमें कुछ होगा या फिर फ्रूट्स का लगाओ, कुछ भी सब्जी का लगाओ, कुछ होगा तो आप देखना कि आप कनेक्ट कर जाओगे। आप इन सब चीजों को ट्राई कर सकते। किसी को पेट रखने का शौक था, आप नहीं रख पाए, आप एक पेट ले आओ घर पे, बहुत सारा चीज है, बट यू कैन टॉक टू मी, दिस इज वेरी पर्सनल एक्चुअली। ओके थैंक यू मैम। ओके थैंक यू सो मच मैम। सुष्मिता मैं समझता हूँ कि आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा, यदि किसी और कोई प्रश्न है तो एक प्रश्न और ले लेते हैं हम, यदि कोई पूछना चाहते हैं तो हैंड रेज कर सकते हैं। पूजा कुमारी शायद प्रश्न पूछना चाह रही थी, पूजा कुमारी या दयानंद कुशवाहा जी थे। हाँ पूजा कुमारी सिंह, पूजा आप अपने को अनम्यूट कर सकती हैं तो अनम्यूट कीजिए और प्रश्न पूछिए अपना। हेलो गुड आफ्टरनून जी, पूजा कुमारी सिंह हैंड आई हैं, इनको अनम्यूट। आप उधर पूछिए आप अपना प्रश्न। हेलो गुड आफ्टरनून प्रिंसिपल मैम एंड ऑल टीचर्स, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे अपना स्ट्रेस या फिर मुझे जो प्रॉब्लम है ये शेयर करने का मौका दिया, इसके लिए थैंक यू सो मच। एक्चुअली मेरा स्ट्रेस ये था, रिसेंट ही जब झारखंड में लॉकडाउन लगा था उसके पहले मैं ट्यूशंस पढ़ाती थी स्टूडेंट्स को, तो उसमें मैं अप्रॉक्स 11 आवर्स ट्यूशन पढ़ाती थी, तो उसमें मैं 25,000-30,000 तक अर्न कर लेती थी। बट जैसे ही लॉकडाउन लगा और जैसे ही झारखंड में केसेस बढ़ने लगे कोविड-19 के वजह से,
वैसे वैसे मेरे सारे स्टूडेंट्स कम होने लगे और एक दिन ऐसा आया कि मुझे ही सारे स्टूडेंट्स को बोलना पड़ा कि अभी COVID-19 के वजह से बहुत सारे केसेस बढ़ रहे हैं, तो मैं अभी नहीं पढ़ा पाऊंगी, आप लोग अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। एक्चुअली ये बोलना मेरे लिए इजी नहीं था, मुझे बहुत स्ट्रेस्ड फील हो रहा था ये बोलते टाइम, बट मुझे ये बोलना पड़ा। तो मैं दिन भर में कम से कम 11 आवर्स ट्यूशन पढ़ाती थी और अचानक से मेरा सारा ट्यूशन बंद हो गया और मेरा इनकम अभी भी जीरो हो गया है। तो ये मेरे लिए बहुत स्ट्रेसफुल था बहुत। तो उस टाइम फिर मैं 2 दिन तक शायद डिप्रेशन में भी चली गई थी, क्योंकि फिर मुझे भूख भी नहीं लगता था, प्यास भी नहीं लगती थी, मैं बहुत टेंशन में रहने लगी। फिर मेरे फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया दैट यू शुड गो टू यूट्यूब, आपको यूट्यूब पे जाना चाहिए, वीडियोस देखने चाहिए, इससे शायद आपको मोटिवेशन मिलेगा। तो मैंने 1-2 वीडियोस देखा तो मुझे मोटिवेशन मिला, बट मुझे अभी भी वो स्ट्रेस फील होता है दैट फ्यूचर में मेरे साथ क्या होगा। तो ये मेरे लिए बहुत स्ट्रेसफुल मैटर है। क्या नाम है इनका? पूजा कुमारी सिंह। पूजा, पूजा सेशन प्लीज वाइस। यस मैम। पूजा, यस मैम, आपको सिर्फ 2-3 चीजें बताऊंगी, एग्जांपल दूंगी, आप अपने आप को उससे थोड़ा सा कोरिलेट कर पाना। आप मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली प्रॉब्लम तो नहीं होगा घर में, कि 2-3 टाइम का खाना अच्छे से मिल जा रहा होगा और जीवन यापन मतलब नॉर्मल चल रहा होगा, बहुत अच्छा तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि पैसे जब आते हैं ना तो दोनों हाथ से खुल के खर्च करता है लोग, लेकिन जब नहीं आते तो थोड़ा सा मैनेज करके चलना पड़ता है। आप उन लोगों का सोचो जो लोग ठेला में सामान बेचते थे, ठेला में वो जो डेली मतलब जो बेडशीट बेचना या ठेला में फुटपाथ पे जो सामान बेचते थे, तो हमेशा गांधी जी बोलते हैं ना कि अपने से ऊपर वाले को देखोगे तो तकलीफ होगी, लेकिन अपने से नीचे वाले को देखोगे तो ब्लेस्ड फील करोगे आप। यस मैम। तो आपके सोच पे डिपेंड करता है, आप क्या सोचते हो, आप अपने को खुराक देना, इट मीन्स आप अपने दिमाग को क्या चीजें देते हो। अगर आप स्ट्रेस दोगे तो दिमाग स्ट्रेस लेगा, क्योंकि आपसे वो है, उससे आप नहीं है, आप जो माइंड को दे रहे हो उसका रिफ्लेक्शन आपके बॉडी पे मिलता है। तो आप दिमाग को क्या दे रहे हो, आप ये दो कि उफ देखो वैसे लोग भी आज जी रहे हैं शायद, जिनको 2-3 टाइम खाना मिलता था और 1 टाइम मिल रहा है, ठीक है। तो आप अपने से पहले तो नीचे वाले को देखना शुरू करो, थोड़ा सुकून लगेगा कि मैं फिर भी बहुत अच्छे प्लेस पे हूँ, और बहुत जल्दी मैं जैसे सिचुएशन ठीक होगा फिर से मेरे में वो कैपेबिलिटी है, मेरे में वो स्किल है कि आई कैन डू बेटर, मैं वो कर लूंगी। ये दूसरा है आपके लिए, सहानुभूति बोलिए या आपके लिए एक स्ट्रेंथ बोलिए, कि आप फिर से वो कर पाओगे बिकॉज ये आपका स्किल था। ये कोई आप दुकान नहीं चला रहे थे जो बंद हो गया, रेंट देना पड़ रहा है, आप ट्यूशन पढ़ा रहे थे, आप इतने स्किल्ड हो, बच्चे आपके पास आ रहे थे या आप उनके पास जाके पढ़ा रहे थे। दूसरी बात, तीसरी बात, आप कोशिश करो कि अगर वो एक एक क्लास में 5-5, 6-6 बच्चे थे तो उन 6 बच्चों का ग्रुप बना करके भी अभी आप पढ़ाओ, फीस थोड़ा कम कर दो, मे बी की ट्यूशन फी उतना नहीं मिले, थोड़ा सा कम कर दो, पेरेंट्स से बात करो और उन बच्चों को उसी तरीके से ट्रीट करो। आप देखना कि आप 30 के बजाय अगर 15-20 भी कमा रहे हो तो फिर आपको ये एक सेटिस्फेक्शन देगा। ये एक तरीका है, आप उनके पेरेंट्स से बात करो, एक एक ग्रुप बनाओ, व्हाट्सएप ग्रुप हो या जूम मीट पे, ये मीट होता है ना, गूगल मीट पे पढ़ाओ। तो आप इसके लिए भी एक प्रयास करो, अगर ये सक्सेसफुल होता है तो 1-2 बैचेस को आप अभी लेकर चलो, जीरो पे नहीं आओगे आप, आपका जो इनकम है वो जीरो नहीं आएगा। और तीसरी बात, हैव पेशेंस। पेशेंस मींस आज अगर ये दिन आया है तो ये दिन भी चला जाएगा, इसका पेशेंस रखो और इन सब चीजों में से 1-2 चूज करके देखिए, इम्प्लीमेंट करके देखिए, सक्सेस कर जाइएगा आप। और तीसरी बात, अपने आप को समझाओ और हैव पेशेंस, हम तो यही कहेंगे कि हैव पेशेंस। ओके मैम, थैंक यू। जो परेशानी है वो आपके साहस से बड़ा नहीं है, और आप जब तक हार नहीं मानेंगे, जब तक लड़ेंगे नहीं उससे, वो आपको परेशान करता रहेगा। तो प्लीज आप अपने आप को परेशानी से दूर करिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए, इस सिचुएशन को डील करिए और एकदम नॉर्मल रहिए, स्टेबल रहिए, बस।
यस मैम, में बहुत कमा लीजिएगा, लेकिन अभी उस पैसे के पीछे भाग के टेंशन ले लीजिएगा तो दो चार दवा जरूर मिल जाएगा डॉक्टर के तरफ से, उससे बचिए। यस मैम, चलिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। लग रहा है कि दूसरा सेशन में थोड़ा लेट हो रहा है, हमको लग रहा है अब दूसरा सेशन शुरू करते हैं हम लोग। आवाज नहीं आ रही है सौरभ आपकी। मैम एक प्रश्न और है, ज्योति सिंह सेशन 19 से किस एक क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं ज्योति सिंह। आई एम ऑडिबल, हेलो। हाँ हाँ आप ठीक है। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है क्या? हेलो अभी ठीक है सौरभ? मैम एक प्रश्न ज्योति सिंह को पूछना चाह रही हैं, हम उनको लेते हैं नेक्स्ट सेशन की ओर, हम लोग जरूर चलेंगे। बोल दीजिए। हाँ बोलिए उनको, टाइम। यस ओके, ज्योति सिंह अपना क्वेश्चन पूछे। ज्योति ज्योति अपने को अनम्यूट करें प्लीज और अपना प्रश्न पूछे। ज्योति ज्योति सिंह अपने को अनम्यूट कर सकती हैं और प्रश्न पूछ सकती हैं आप अपना। हाँ ज्योति आपकी आवाज नहीं आ रही है ज्योति। हेलो उनको बोलिए अपना क्वेश्चन लिख देंगी वो। ज्योति अपना प्रश्न चैट बॉक्स में लिख दीजिए, हम लोग लास्ट में आके प्रश्न आप लिख दीजिए, लास्ट में उसको आप आंसर दिलवाते हैं। तो हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन की ओर बढ़ते हैं। हमारे अगले स्पीकर हमारे सीनियर टीचर झा सर हैं और निश्चित तौर पे अभी हमने मदलम मैम को सुना और स्ट्रेस कैसे मैनेज करें मदलम मैम ने बताया, प्रिंसिपल मैम भी हमें बता रही हैं, सभी के जो क्वेश्चन हैं उनको उनके आंसर मिल रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। मैम ने भी बहुत अच्छे तरीके से बताया कैसे हम अपने जो इकोनॉमिक एक स्ट्रेस आता है निश्चित तौर पर सबके लिए, इसमें बहुत बड़ा स्ट्रेस है ये, उसको कैसे दूर करें मैम ने बताया। और हमारे सीएन झा सर को सुनना चाहेंगे, सभी प्रशिक्षु बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज के इस कार्यक्रम में झा सर आपका। सर जी आप सुन पा रहे हैं? जी सर गुड आफ्टरनून सर। सर गुड आफ्टरनून सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में जो हमारी एनएसएस यूनिट द्वारा आयोजन किया जा रहा है, और आज का टॉपिक हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट है। और सारे प्रशिक्षु और हम सभी लोग आपको सुनने के लिए बहुत इंतजार कर रहे थे आपको भी, और अभी मतलब मैम को सुना और आपका स्वागत करता हूँ मैं पुनः एक बार। वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच सौरभ जी, रिस्पेक्टिव प्रिंसिपल मैम, ऑर्गेनाइजर मिस्टर सौरभ शर्मा सर, स्पीकर मिसेज बिरला भगत मैम, हमारे कलीग्स मिस्टर मोहित तिवारी सर, मिस्टर अजय कुमार गुप्ता सर, मिस्टर मनीष कुमार पासवान सर, मिस्टर कृष्णा कुमार सिंह सर, और हमारे डियर पार्टिसिपेंट्स, ये बहुत ही अच्छा अवसर है कि हम लोग इस प्लेटफॉर्म पर में स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने सौरभ जी का कि उन्होंने मुझे बतौर स्पीकर इस कार्यक्रम में मुझे दो शब्द बोलने का अवसर दिया है। हालांकि मैं मेरे पास बोलने को कुछ है नहीं, क्योंकि मृदुला मैडम ने बहुत अच्छे तरीके से अपने सेशन को क्रिएटिव तरीके से रखा है और जो वास्तविकता है रियलिटी है उस उन सभी चीज़ों से आप लोगों को साझा किया है, आपसे शेयर किया है, और निसंदेह इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको उनसे ज़रूर लाभ होगा। बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी किए हैं और उसके जो एकदम टू द पॉइंट जो जवाब है हमारी प्रिंसिपल मैडम ने दी भी हैं। मैं अपने सेशन की शुरुआत एक छोटे से कहानी से जरूर करना चाहूँगा। मैं उस कहानी की तरफ आप सभी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। मेरी आवाज क्लियर आ रही है सौरभ जी? थोड़ा मुझे बता दें ताकि मैं अपना सेशन स्टार्ट कर सकूँ। आई एम ऑडिबल? यस सर। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग COVID-19 के इस वैश्विक महामारी का सामना कर रहे हैं। आज विश्व के तमाम देश इस वैश्विक महामारी में जूझ रहा है और जीने की आशा, जीने की तमन्ना जो है उसके पीछे
अपनी भागदौड़ कर रहा है, माथापच्ची कर रहा है। और कहा जाता है कि तनाव जो है, स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस हमारे आधुनिक जीवन शैली जो है, हमारा आधुनिक जीवन शैली में कहा गया है कि यह एक वरदान भी है। अब जैसे कि हम आप सभी जानते हैं कि हम लोग तनाव को निगेटिव सेंस में लेते हैं। जैसे कि मैंने एक जगह कहीं पढ़ा था, यदि शिक्षक स्टूडेंट्स को पढ़ाता है तो कहीं ना कहीं शिक्षक भी स्टूडेंट्स को तनाव दे रहा होता है, लेकिन यदि उसके पॉजिटिव फैक्टर्स को आप देखें तो स्टूडेंट सीख रहा होता है। बच्चों के लिए वो जरूर स्ट्रेस होता है, लेकिन उसका जो आउटपुट है, उसका जो आउटकम्स है, वो आप सब समझ सकते हैं कि आप आज जिस परिस्थिति में यहाँ हैं, बीएड कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, तो आपने जो योग्यता हासिल की है कहीं ना कहीं अपने शिक्षक को सुना है, जरूर तनाव आपने लिया, लेकिन उस तनाव का प्रतिफल देखिए कि आप आज सक्सेसफुली बीएड को कर रहे हैं, करेंगे भी, डीएलएड को कर रहे हैं, करेंगे भी। तो आइए एक कहानी की शुरुआत करते हैं, कहानी से जो है हम अपने लेक्चर सेशन की शुरुआत करेंगे। कहा जाता है कि बीमारी जो है, बीमारी का सबसे बड़ा कारण जो होता है वो तनाव होता है। तनाव हमारी आदत में शुमार हो गया है, हमारे तनाव जो है हमारे आदत में आ गया है, जीवन में घुस गया है, अब उसे जीतना जो है अब सरल नहीं रहा। लेकिन आप सब जानते हैं कि तनाव जो है विजिबल नहीं है, इनविजिबल है। आप क्या तनाव को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। जो है मुझे याद आ रही है, मैं वो कहानी आपसे शेयर करना चाहूंगा। पुराने समय में अरब के रेगिस्तान में ऊंटों के काफिले इधर से उधर घूमते फिरते थे। एक समय की बात है कि ऊंटों का एक काफिला रात्रि विश्राम के लिए एक सराय में ठहरा, एक सराय में रुका। उस काफिले में 100 ऊंट थे, उस काफिले में 100 ऊंट थे। ऊंट मालिक जब ऊंटों को खूंटी गाड़कर बांधने लगा तो एक रस्सी कम पड़ गई। देखिए, आप कहानी सुनेंगे तो कहानी में आपको एकाग्रचित होना पड़ेगा। यदि आपकी एकाग्रता भंग हुई तो आप कहानी का सार नहीं समझ पाएंगे, और कहानी तो समझने की दूर की बात। तो उस काफिले में 100 ऊंट थे। ऊंट मालिक जब उस ऊंटों को खूंटी गाड़कर बांधने लगा तो एक रस्सी कम पड़ गई। 100 ऊंट थे, 100 ऊंट को बांधना था, लेकिन 99 ऊंट को बांधा और एक रस्सी कम पड़ गई। 99 ऊंटों को तो रस्सी बांध दिया गया, लेकिन एक ऊंट बच गया। तब उस काफिले का मालिक जो था बहुत बूढ़ा था और वो मैनेजर था, तो वो क्या किया, अपने मैनेजर के पास गया और एक रस्सी की गुहार लगाने लगा कि मुझे एक रस्सी दीजिए, 99 ऊंटों को तो मैंने बांध दिया लेकिन एक रस्सी कम पड़ गई। मैनेजर ने बताया कि उसके पास तो रस्सी नहीं है, लेकिन वह ऊंट बांधने की कला को जानता है। सराय के जो मैनेजर ने क्या किया, उस बचे हुए एक ऊंट के पास जाकर खूंटी गाड़ने का अभिनय किया। अब ये समझ रहे होंगे खूंटी गाड़ने का अभिनय क्या होगा। वो अभिनय इस तरह से था, वह ऊंट के पास जाता है और रस्सी खूंटी से बांधकर ऊंट की गर्दन के पास अपना हाथ इस तरह से ले जाता है जैसे लग रहा है कि सचमुच रस्सी से ऊंट को बांध रहा हो। इसके बाद उसने कहा उस मालिक से कि जाओ, तुम्हारा ऊंट अब नहीं भागेगा, यह बंध चुका है। दूसरे दिन प्रातः काल काफिले के मालिक ने 99 ऊंटों को छोड़ दिया। वहां से काफिला आगे बढ़ा तो 99 ऊंटों को छोड़ दिया। सभी ऊंट खड़े होकर के चलने लगे, लेकिन जो 100वां ऊंट था, जिसको सराय के मैनेजर ने अभिनय से उसे बांधा था, वो जब मालिक उसे उठाने लगा तो वह नहीं उठा। ऊंट के नहीं उठने पर उस ऊंट की मालिक ने खूब पिटाई भी की, लेकिन फिर भी वह टस से मस नहीं हुआ। तब काफिले वाला मैनेजर के पास वह मालिक गया और कहा कि आपने ऐसा कौन सा मंत्र कर दिया है कि वो मेरा 100वां ऊंट जो है उठ ही नहीं रहा है। इस पर मैनेजर ने उस मालिक से कहा कि तुमने उसकी रस्सी खोली या नहीं। ऊंट वाला बोला, उस ऊंट के मालिक ने कहा कि भाई जब रस्सी बांधी ही नहीं गई थी तो खोलता कैसे। इस पर मैनेजर ने उठ करके ऊंट के पास गया और फिर वह रस्सी खोलने का अभिनय किया जैसे कि पूर्व में बांधने का वो अभिनय किया था। तब ऊंट को उठाया गया तो ऊंट सरलता के साथ उठा और फिर चलने लगा। अब इस कहानी से
आपको क्या समझ में आया इस कहानी से, ये जरूर समझ में आया होगा कि जो हम सभी इस तरह की पूर्व धारणाओं से अज्ञात तरीके से अदृश्य रस्सियों में बंधे हुए हैं, वो अदृश्य रस्सी क्या है? वही अदृश्य रस्सी एक तनाव है। ऊंट का तो पता नहीं, लेकिन मनुष्य पर यह बात, हम पर, आप पर, सभी लोगों पर यह बात 100% बैठती है। और इसीलिए कहा जाता है कि अदृश्य रूप से जो तनाव है वो हम सबको घेरे हुए है। मैं एक चीज यहां और शेयर करना चाहता हूं कि हम लोगों ने अक्सर सुना है कि ये जो तनाव है, इस तनाव से हम काफी भयभीत होते हैं, हम काफी स्ट्रेस में आ जाते हैं, हम काफी उद्वेलित हो जाते हैं, हम काफी हमारे अंदर जो हार्मोन्स हैं उसका जो स्राव है, उसका जो बहने की प्रक्रिया है, वो इतनी तेजी से बढ़ने लगती है कि हम विचलित हो जाते हैं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से विचलित हो जाते हैं, और पता नहीं चलता कि हम क्या करें क्या ना करें, इस उधेर गुण में न जाने हम क्या क्या कर बैठे। आज का यह सेशन आपके उन सभी तनावों को दूर करने की कोशिश करेगा नहीं करेगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये जरूर दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके तनाव को कम करने में ये लेक्चर सेशन आपको जरूर साथ देगा, जरूर मदद करेगा। आइए हम लोग बारी बारी से सभी स्लाइड्स की तरफ बढ़ते हैं। मैंने पीपीटी तैयार की है, आप सभी लोगों से मैं वो शेयर करना चाहूंगा। आइए हम उसको शेयर करते हैं। One minute. सौरभ सर, क्या मुझे आप बता सकते कि मेरा स्लाइड विजिबल है? सर बिल्कुल विजिबल है सर आपका, लेकिन आवाज थोड़ा डिस्टर्ब हो, लेकिन आपका स्लाइड विजिबल है सर। ओके, थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम है, गांव में हूँ तो थोड़ा सा है, लेकिन मेरी आवाज नहीं सर, सही है, आवाज सही है बिल्कुल सर। सर ओके सर, ओके सर, ओके सर। आइए हम लोग बात करें स्ट्रेस मैनेजमेंट थ्रू स्वॉट एनालिसिस। अब ये स्वॉट एनालिसिस क्या है, इसकी चर्चा तो हम बाद में करेंगे, लेकिन स्ट्रेस मैनेजमेंट में स्ट्रेस शब्द जो है, उस शब्द का जो निर्माण है, उस शब्द की उत्पत्ति जो है, वो किसने किया? ये सवाल बहुत गहरा सवाल है और बहुत ज्वलंत भी है। हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेस बात करते हैं, तनाव तनाव की बात करते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं है इस तनाव शब्द की उत्पत्ति किसने की। द वर्ड स्ट्रेस वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई हैंस सीले इन 1936। अब ये जो हैंस सीले हैं, इन्होंने 1936 ईस्वी में स्ट्रेस वर्ड को कंस्ट्रक्ट किया। अब ये हैंस सीले क्या है, ये एक प्रसिद्ध एंडोक्रिनोलॉजिस्ट थे। अब ये एंडोक्रिनोलॉजिस्ट क्या होता है, मनुष्य के अंदर जो जितने प्रकार की ग्रंथियां हैं, उस ग्रंथियों पर इनका अपना रिसर्च रहा है, और ये एक बहुत बड़े साइंटिस्ट भी रहे हैं। इन्हें एक चिकित्सीय विशेषज्ञ के तौर पर भी जाना जाता है, और इन्होंने जब शरीर के हार्मोन्स पर अपना अध्ययन किया, अपना रिसर्च किया, तो पाया कि कुछ ऐसे हार्मोन्स के स्राव के कारण हमारे शरीर में एक जो उद्वेलन होता है वो काफी बढ़ जाता है, और जिसको उन्होंने एक नाम दिया स्ट्रेस, STRESS, स्ट्रेस, जिसका हिंदी वर्ड है तनाव। तो अब ये तनाव क्या है, एक छोटा सा मीनिंग, द वर्ड स्ट्रेस रेफर्स टू द रिस्पॉन्स यू मे व्हेन विद सिचुएशंस दैट फोर्स यू टू टेक एक्शन चेंज एंड एडजस्ट in one way or the other, so that you can maintain your position or keep it balanced. In Hindi, ये तनाव क्या है? तनाव का क्या मतलब है? तनाव शब्द का संबंध उस प्रकार की अनुक्रिया से है, उस प्रकार के response से है, जब आप किसी ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं या रूप में
क्रिया करनी पड़ती है, एक्शन करना पड़ता है, और उस एक्शन से क्या होता है, आपके सिचुएशंस में परिवर्तन आते हैं, आपको एडजस्टमेंट होने के लिए वो सिचुएशंस जो है बाध्य करता है, और ऐसी परिस्थिति में आप अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए खुद को संतुलित करने का प्रयास करते हैं। इसी को स्ट्रेस कहा जाता है, इसी को तनाव कहा जाता है। अब नेक्स्ट स्लाइड, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोविड 19 के इस वैश्विक महामारी के दौर में विश्व का ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो तनाव जैसी समस्याओं से जूझ नहीं रहा होगा। कोई भी उदाहरण आप देख लीजिए, कोई किसी भी व्यक्ति से पूछिए वो नहीं कहेगा कि इस कोविड 19 ने हम सबको जो है बहुत ज्यादा परेशानी में डाल दिया है, अब जीना मुहाल हो गया है, ऐसे ही सभी लोग बात करते हैं। कहने का मतलब ये है, हम हों आप हों, चाहे 100 किलोमीटर 150 हजार 2000 5000 किलोमीटर बैठा व्यक्ति हो, कोई भी विश्व का कोई भी कंट्री हो, वो आज इन कोविड 19 के वैश्विक महामारी में सभी लोग उस चीज से जूझ रहे हैं। हम भी जूझ रहे हैं, आप भी जूझ रहे हैं, सब लोग जूझ रहे हैं। अब प्रश्न यह उठता है, क्योंकि आज का सेशन हमारा शैक्षिक एक जगत से ये बिलोंग करता है, तो हम शिक्षा के को ध्यान में रखते हुए, एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए हम कोशिश करेंगे कि उस पर ज्यादा हम डिस्कस करें, उस पर हम ज्यादा बात करें। हालांकि स्ट्रेस एक ऐसा वर्ड है, मैं आपको बताऊं कि उस वर्ड का संबंध हमारे दैनिक जीवन में तो है ही, मतलब जब उठते हैं तब स्ट्रेस, जाते हैं तब स्ट्रेस, खाते हैं तब स्ट्रेस, सोते हैं तब स्ट्रेस, मतलब ये जो स्ट्रेस वर्ड है ये हमारे आसपास ही मौजूद रहता है और हम इससे बच नहीं सकते। तो लेकिन चूंकि वो हमारा विषय नहीं है, हमारा विषय आज एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में हमें बात करनी है, तो अब है बात करते हैं कि कोविड 19 ने हमारे एजुकेशन सिस्टम को और हमारे एजुकेशन सिस्टम के जो धुरी हैं लर्नर्स यानी शिक्षार्थी विद्यार्थी, उसको किस प्रकार से इसने प्रभावित किया है, जिसके कारण आज हम सभी लोग तनाव से ग्रस्त हैं, टेंशन से त्रस्त है, और पता नहीं इससे हम कैसे उभरेंगे। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे नुस्खे हैं, कुछ ऐसे टिप्स हैं, कुछ ऐसे चीजें हैं, जैसे वैक्सीन आई, आज सभी लोग वैक्सीन ले रहे हैं और क्रमशः लोग ठीक भी हो रहे हैं, दवा भी आ गई है। तो ऐसा नहीं है कि समस्या का समाधान नहीं है, हर समस्या का समाधान है, बशर्ते कि हमारा अप्रोच सही रास्ते में पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़े। हम यदि रुक जाएंगे, हम प्रयास ही नहीं करेंगे, तो क्या हम ऐसी परिस्थितियों से हम निपट पाएंगे? बिल्कुल नहीं निपट पाएंगे। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि आज के शैक्षिक परिजगत में, आज के शैक्षिक परिदृश्य में ऐसी कौन सी चीजें हैं, ऐसी कौन सा जो वातावरण बन गया है कोविड 19 के वजह से, जिसने हम सभी को, हम शिक्षक को, हमारे प्रिय विद्यार्थियों को और शिक्षा जगत के जाने माने जितने भी हमारे अग्रज विद्वजगण जितने भी हैं, सब लोग आज त्रस्त हैं। कोई कारण तो जरूर है, आइए हम लोग उस कारण पर बात करते हैं। सबसे पहला कारण है क्लोज्ड ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस। कोई भी शिक्षक या कोई भी शिक्षार्थी ये सोचा भी नहीं होगा कि हम जब बड़े होंगे तो हमारे स्कूल्स जहां ज्ञान मिलता है, हमारे कॉलेज जहां हम अपने ज्ञान को विस्तार देते हैं, ये आज बंद पड़े हैं, ताला लटका हुआ है, हर कक्षा में ताला लटक रहा है, कोई नहीं सोचा होगा। ये परिस्थिति आज है, इसका सामना कर रहे हैं। तो इस कोविड 19 ने जो सबसे पहला अटैक किया हम लोगों के ऊपर, वो अटैक ये हुआ कि आज विद्यालय बंद हो गए, कॉलेजेस बंद हो गए, और न केवल विद्यालय और कॉलेजेस, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज भी आज बंद है। दूसरा, एग्जाम्स नॉट हेल्ड ऑन टाइम, परीक्षाएं समय पर आयोजित नहीं की जा रही। कैसे आयोजित की जाएंगी? आज एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के कुछ सहयोगी गण खुद कोविड 19 के शिकार हो चुके हैं। आज डर के साए में एग्जामिनेशंस जो है जो संचालित हुए भी, थोड़ा सा रिलीफ जब हुआ था कोविड 19 के पहले दौर के बाद, तो एग्जामिनेशन का सिलसिला शुरू हुआ, एग्जामिनेशन जल्दी जल्दी संपन्न होने लगे। हमारे 20-22 के स्टूडेंट्स के पहले जो हमारे 19-21 के बैचेज हैं बीएड के, मैं कहना चाहूंगा कि इनका जो फर्स्ट सेमेस्टर का फॉर्म था फरवरी में फिलअप हुआ, और एग्जामिनेशन कब हुआ आकर के, तो शायद नवंबर या दिसंबर में जाके एग्जामिनेशन।
कल्पना कर लीजिए कि हमारे वो बच्चे उस एग्जामिनेशन को लेकर के कितने स्ट्रेस में रहे होंगे। आज डीएलएड 1921 के हमारे बच्चे जुड़े हुए हैं, उन्हें पता जरूर होगा कि उनके जो सीनियर बैच डीएलएड के 18-20 के जो स्टूडेंट्स हैं उनका एग्जामिनेशन का शेड्यूल आ चुका था, और इस COVID-19 के केसेस बढ़ने के कारण वो एग्जामिनेशन अब काल के गर्भ में समा गया है कि वो कब होगा, नहीं होगा कि क्या होगा। कल्पना करिए कि इस एग्जामिनेशन का जो प्रेशर है, एग्जामिनेशन के नाम पर तो ऑलरेडी हम इतने तनाव से ग्रस्त हो जाते हैं हमारे स्टूडेंट्स, उन्हें याद नहीं रहता, उन्हें पता ही नहीं चलता कि हम क्या करें क्या ना करें, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। लेकिन ये तो तीसरे प्रकार का तनाव है कि किसी वजह से, ऐसे वजह से हमारा एग्जामिनेशन टल गया जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की, लेकिन आज वो सबके सामने में कोई विकल्प नहीं है। तीसरा, लॉसिंग प्रोमाइसिंग टीचर्स एंड टैलेंटेड स्टूडेंट्स। मुझे ये कहते हुए हमारी गला जो है थोड़ी सी मतलब ये हो रही है कि हमारे ऐसे कितने सारे होनहार टीचर्स, हमारे कितने सारे ऐसे प्रतिभावान छात्र COVID-19 के शिकार हो गए, काल उनको अपने वश में कर लिया और वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। कहने में मुझे बहुत बुरा लग रहा है लेकिन कहना तो पड़ेगा। कल्पना कर लीजिए, क्या जो चले गए वो उन्होंने कभी कल्पना की थी कि हम ऐसी परिस्थितियों से हम संक्रमित हो जाएंगे और हम काल के गाल में समा जाएंगे। अभी जस्ट आपने देखा होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के 36 टीचर्स काल के गाल में समा चुके हैं, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बहुत सारे टीचर्स जो हैं काल के गाल में समा चुके हैं। ऐसे बहुत सारे न्यूज मैं देखता हूं, बहुत सारे रिसर्चर, रिसर्च स्कॉलर, मेरे जो मित्र हैं कृष्णा सर, उन्होंने मुझे कहा था सर बीएचयू के स्टूडेंट, मैंने उनके मुंह से सुना था कि एक बीएचयू का एक रिसर्च स्कॉलर जो है COVID-19 का शिकार बन गया और वो काल के गाल में समा गए। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स, हमारे जो आज के जो टेक्नीशियन हमारे साथ जुड़े हुए नीरज जी, उन्होंने कहा कि सर हमारे घर के बगल में एक ऐसा लड़का जो मैथमेटिक्स जैसे विषय में नेट JRF क्वालिफाइड स्टूडेंट, मात्र 25-26 वर्ष की अवस्था और वो आज COVID-19 का शिकार हो गया। ऐसे न जाने हजारों उदाहरण हैं हमारे सामने और इस COVID-19 ने उनको इस प्रकार से जकड़ा कि वो काल के गाल में समा गए। इसके वजह से सारा सोसाइटी, फैमिली, सब लोग टेंशनाइज हो गए, स्ट्रेस में आ गए, करें तो करें क्या। नेक्स्ट, कंडक्टिंग ऑनलाइन क्लासेस। कहने के लिए तो हम लोग खाना पूर्ति तो हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन मेरी बात से सब लोग सहमत होंगे कि इस ऑनलाइन क्लासेस का जो भूत है वो हम पर इस प्रकार से सवार हो गया है कि न कहते हुए हो रहा है न निगलते हुए ये बात पच रही है। करें तो करें गया, कोई ऑप्शंस नहीं है, लेकिन हम लोग ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में कितने प्रकार की बाधाएं आ रही हैं ये आप सभी लोग जानते हैं। किसी की कोई बहुत दूरस्त गांव में है तो उसके पास नेटवर्क का प्रॉब्लम है, बिजली की समस्या है, मोबाइल है भी तो डेटा की समस्या है, इंटरनेट कनेक्टिविटी वहां नहीं है, और क्लासेस तो रेगुलर कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। टीचर के साथ भी वही सारी समस्या है, हमारे साथ भी बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो गांव में कहीं दूर जाकर के जहां कनेक्टिविटी मिलती है इंटरनेट की, वहां जाकर के घर से 2-3-4-5 किलोमीटर दूर जाकर के क्लासेस आप लोगों के लिए लेते हैं। कल्पना कर लीजिए, कोई सोचा होगा इस प्रकृति की गोद में फिर से जाना पड़ेगा क्लासेस लेने के लिए। लेकिन वही उसका इम्पैक्ट देखिए कि इस प्रकार के ऑनलाइन क्लासेस ने न केवल टीचर्स को बल्कि हमारे स्टूडेंट्स को भी स्ट्रेस में डाल दिया है। हम घंटों कान में ईयरफोन लगा करके घंटों मोबाइल के स्क्रीन को देखते रहते हैं, इससे कितना साइड इफेक्ट हमारे शरीर पर पड़ रहा है ये आप जानकर भी हैरान हो जाएंगे। आपकी आंखें कमजोर हो रही हैं, आपके कान की जो श्रवण क्षमता है, लिसनिंग पावर है, वो आपके कमजोर हो रहे हैं। इसीलिए इस COVID-19 ने हमें कई सारे ऐसे जख्म दिए हैं जिसको शायद भरना मुश्किल होगा। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ऑल राउंड डेवलपमेंट। हम बच्चों को सिखाते हैं सर्वांगीण विकास, शिक्षा का उद्देश्य है सर्वांगीण विकास। कैसे करेंगे सर्वांगीण विकास? इस COVID-19 ने तो इस पर जैसे मानो कि एक ऐसा चाबुक चला दिया हो कि हम तो भैया सर्वांगीण छोड़ दीजिए, हम विकास भी नहीं करने देंगे आप।
किस प्रकार की सर्वांगीण विकास, कैसे होगा सर्वांगीण विकास, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, कई ऐसी चीजें हैं जो हम फेस टू फेस आपके साथ रहते, आपके साथ कंडक्ट कराते एक्टिविटीज, तो हम शायद आपके सर्वांगीण विकास में एक बहुत बड़ा योगदान दे सकते थे, लेकिन हम नहीं दे पा रहे, कोई विकल्प नहीं है। तो हमें इस प्रकार से ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसका सामना हम लोग आज कर रहे हैं और अभी आगे भी करने वाले हैं, ये अभी बहुत दिनों तक रहने वाला। रनिंग ऑफ ऑफिसेज इन एन एनवायरमेंट ऑफ फियर, स्वाभाविक है। पहले लॉकडाउन जब लगा था भारत में, तो लोग सोचने लगे कि अब क्या होगा, कैसे जीवन चलेगा। फिर जब जैसे जैसे केसेस कम हुए, पहला दौर जब बीता, सरकार के द्वारा अनाउंसमेंट हुआ कि भाई अब जो है केसेस कम हो रहे हैं, सारे लोग जो है अपने अपने कामों में लग जाइए, लेकिन सरकार कहने के बाद ऑफिस खुले, उस दिन के लिए स्कूल और कॉलेजेस भी खुले, लेकिन ऑनलाइन कक्षाएं नहीं चली। फिर धीरे धीरे हम लोग इग्नोर करते रहे, लगा जैसे कि अब सही हो जाए, लेकिन इस दूसरे कोविड-19 के दौर ने इस प्रकार से हम लोगों के ऊपर में एक कुठाराघात किया है जिसका सामना या जिसको उभरने में हमको लगता है कि सालों लग जाएंगे। और ऐसी परिस्थिति में जितने भी ऑफिसेज, जितने भी कार्यालय खुले हुए हैं, चाहे वो सरकारी कार्यालय हो चाहे वो गैर सरकारी कार्यालय हो, मुझे कहना नहीं होगा, आज आपके माता पिता, आपके पास पड़ोस के रहने वाले व्यक्ति अपने आर्थिक नुकसान को बचाने के लिए, अपने पेट को चलाने के लिए, अपने बाल बच्चों के भविष्य को लेकर के काफी चिंताग्रस्त है, कैसे चलेगा। कार्यालय खुले हुए हैं, बहुत सारे कार्यालय बंद भी हैं, लेकिन बंद होने के बाद कुछ जो कार्यालय खुले भी हैं वहां डर का माहौल है, वहां आतंक का माहौल है, लगता है कि कब हम उसके चपेट में आ जाएंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा। पेरेंट्स वरी अबाउट देयर चिल्ड्रंस फ्यूचर्स, हमारे माता पिता, हमारे जितने भी अभिभावक गण हैं, अपने बच्चों को लेकर के काफी टेंशनाइज्ड हैं, काफी स्ट्रेस में। हम तो बड़े हो गए, हम अपने दाना पानी का जुगाड़ तो कर लिया, लेकिन हमारे बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे अभी लर्नर हैं, सीख रहे हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जैसे आप, हम लोग भी। मैं खुद PhD रिसर्च स्कॉलर हूं और मुझे कहने में कोई भय नहीं लग रहा है कि मेरे जो रिसर्च के सिनॉप्सिस हैं अभी तक अप्रूव्ड नहीं हो पाए हैं, लगभग अब 2 साल लगभग कंप्लीट हो चला है। मुझे खुद इस बात का भय लगता है कि मैं कैसे उस चीज को कंप्लीट करूंगा। उसी तरह से आपके माता पिता भी यही सोचते हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य का क्या हो, कैसे हमारे बच्चे जो है अपने भविष्य को सुरक्षित रख पाएंगे, भविष्य को समृद्ध कर पाएंगे, सफलता की सीढ़ियां चढ़ पाएंगे, बहुत मुश्किल है। और इसके वजह से माता पिता हमेशा सोचते रहते हैं और पता नहीं न जाने क्या क्या सोचते रहते हैं कि अब क्या होगा। सफर ए लॉट ऑफ फिनेंशियल लॉस, बहुत मेजर इशू है, आज पूरा विश्व जो है इस आर्थिक नुकसान को झेल रहा है। भारत के हर कोने में बैठा व्यक्ति कोई कह नहीं सकता कि हमारा कोई आर्थिक नुकसान नहीं हुआ। हम हो आप हो, सबकी जेबें जो है ढीली पड़ गई। अब ऐसी परिस्थिति में घर का राशन पानी कैसे आए, ऐसी परिस्थिति में हम छोटे छोटे बच्चों को क्या खिलाएं, ऐसी परिस्थिति में हम उनकी जिज्ञासाओं को, उनकी छोटी छोटी जरूरतों को कैसे पूरा करें, जो आज से साल भर पहले, 1.5 साल पहले हमें करते थे। आज इनकम इतना कम हो गया है, आज आर्थिक समस्या इतनी बड़ी हो गई है, इतनी भयभीत हो गई है कि हम 2 के बदले 1 जो मिल रहा है उस 1 में कैसे गुजारा करें, दिन रात इसी के बारे में सोचते हैं। समस्या बहुत गंभीर है और इस गंभीर समस्या से हम लोग जूझते आ रहे हैं, काफी तनावग्रस्त है। कहा जाता है कि जब तक शिक्षक भूखा है ज्ञान का सागर सूखा है। मैंने कहीं पढ़ा था पेपर के एक आर्टिकल में, जब तक शिक्षक भूखा है ज्ञान का सागर सूखा, कैसे आप पेट भरेंगे शिक्षक का, जब शिक्षक के पेट में अन्न ही नहीं होंगे तो कैसे आप ज्ञान देंगे। जब हमारे स्टूडेंट्स के शारीरिक पोषण के लिए जो अच्छे डाइट्स चाहिए, संतुलित आहार चाहिए, बैलेंस डाइट चाहिए, यदि वो मिलेगा ही नहीं,
तो क्या उनका शारीरिक परिपक्वता शारीरिक विकास हो पाएगा? और इन सभी चीजों की भरपाई आप कैसे करते हैं? दो पैसे जब आप कमाते हैं उन्हीं दो पैसों में से आप अच्छी अच्छी चीजों को खरीद करके लाते हैं, खाने पीने का सामान लाते हैं और अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। लेकिन आज दो टाइम तीन टाइम का खाना तो छोड़ दीजिए जहां हम लोग खाते थे, आज एक टाइम का खाना अच्छे तरीके से नसीब हो जाए यही बहुत बड़ी बात। नॉट बीइंग एबल टू पेमेंट, ये भी बहुत बड़ा इशू है शिक्षा जगत में। सरकारी जो हिसाब किताब है सरकारी कार्यालयों का वहां तो सब सही सही है, लेकिन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जहां हैं, चाहे वो CBSE एफिलिएटेड स्कूल्स हों, चाहे वो SEE एफिलिएटेड स्कूल्स हों, चाहे वो नॉन CBSE एफिलिएटेड स्कूल्स हों, आज छोटे मोटे स्कूल जो कुकुरमुत्ते की तरह खुले हुए थे लॉकडाउन से पहले, वो कहाँ हो गए, कहाँ चले गए, और उनकी उनकी जो स्थिति है आज इतनी भयावह हो गई है कि वो बच्चों को तो छोड़ दीजिए पढ़ाना लिखाना, वहां जो कार्यरत जितने भी हमारे शिक्षकगण थे, जितने भी हमारे शिक्षकेतर कर्मचारीगण थे, उनको निकाल दिया गया। और क्यों ना निकाले, कैसे चलेगा जब हमारे पास आर्थिक जो आय है हमारा वो होगा ही नहीं, जो हमारा सोर्सेज है वो है वो हम उसकी पूर्ति कर ही नहीं पाए, तो हम कैसे हम अपने जो हमारे जो स्टाफ्स हैं मेंबर्स हैं मैं उसको सैलरी दे पाऊं। ऐसे बहुत सारे शिक्षकों को हमने खो दिया, मैंने खो दिया ऐसे बहुत सारे शिक्षकों को, जहां वो अपने स्कूल्स की कमाई से घर चलाते थे, छोटे मोटे ट्यूशंस कर लिया करते थे और उनसे गुजारा उनका अच्छे से हो जाता। आज सभी पर ग्रहण लग चुका है और सभी पर जो है एक कहते हैं ना कि बैरियर लग चुका, लक्ष्मण रेखा खींच गई। अब वो लक्ष्मण रेखा ऐसी है पता नहीं ये कब लक्ष्मण रेखा जो है ये टूटेगी। आज शिक्षक मैं कहने में कोई मुझे नहीं लग रहा, आज शिक्षक एक जो पढ़ता हूं मैं न्यूज, मैं देखता हूं कि शिक्षक कोई सब्जी बेच रहा है, शिक्षक कोई जो है कहीं पे किसी तरह का अपना काम चलाने के लिए पढ़ने पढ़ाने का काम छोड़ करके किसी तीसरे काम में व्यस्त हो गया। ये हमारा सिचुएशन हो गया और हम इस सभी सिचुएशन से जूझ रहे हैं, तनाव से ग्रसित हो जा रहे हैं। लॉसिंग वन सेल्फ सिक्वेंसली, हम लोग क्रमशः अपने को खोते चले जा रहे हैं। आप जहां हैं क्या आपके आसपास के लोगों ने COVID-19 के इस दौर में क्या अपनों को नहीं खोया है? और यदि अपनों को खोया है तो क्या वो आपका नहीं था? जरूर आपका रहा होगा, जरूर आपके सगे संबंधी रहे होंगे, दूर के रिश्ते में लगे होंगे और न जाने ये सिलसिला कब रुकेगा। करोड़ों लोग इस COVID-19 के शिकार हो चुके। अब बात ये है, ये बहुत सारे कारण हैं, मैं कुछ ही कारणों को लिया है। मैं जब बना रहा था स्लाइड तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या लिखूं, क्या करूं, क्या बनाऊं, क्योंकि सेशन लिमिटेड था तो मैंने कुछ ही चीजों को रखा है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं, ऐसे बहुत सारे जो हमारे पास कहने को बहुत कुछ है जो जो इस बात की ताकीद करेंगे, जो इस बात को सिद्ध करेंगे कि वास्तव में शिक्षा के जगत में इस COVID-19 ने हमें इस एक ऐसे राह पर ला करके खड़ा कर दिया है जहां पीछे मुड़ो तो डूबने की चिंता, आगे बढ़ो तो डूबने की चिंता, जाए कहां। लेकिन हमें, क्योंकि हम लोग शिक्षा जगत के, शिक्षक भयभीत हो सकता है, शिक्षक डर सकता है, शिक्षक थोड़ा देर के लिए कमजोर हो सकता है, लेकिन शिक्षक अपनी शिक्षा रूपी बुद्धि का यदि इस्तेमाल करे तो निश्चित रूप से इन सभी चीजों, शिक्षक भविष्य का निर्माता है, शिक्षक वो सब कुछ कर सकता है जो कोई नहीं कर सकता, वो राष्ट्र का निर्माता होता है। और यदि निर्माता है तो वो ऐसे छोटे मोटे चीजों से डरने वाला नहीं है। और आज हम सभी शिक्षक बनेंगे, शिक्षक बनने के व्यवसाय को चुना है और निस्संदेह आने वाले समय में हम ये सिचुएशन कभी ऐसा रहेगा नहीं रहेगा, क्रम से धीरे धीरे सुधार होगा। अभी आपके पास बहुत समय है, थोड़ा विलंब होगा, थोड़ी देरी होगी, थोड़े तनाव होंगे, लेकिन ये सिचुएशन, ये वातावरण हमेशा नहीं रहेगा।
कोई भी चीजें, प्रकृति का ये नियम है, कोई भी चीजें लगातार एक ही लाइन पर स्टेबल नहीं रहती है। परिवर्तन ही संसार का नियम है, ये गीता का सार। परिवर्तन होंगे और हम सभी इन सभी वैश्विक महामारी से होने वाले जितने भी तनाव हैं इनसे उभरेंगे। लेकिन उभरे तो कैसे उभरे, कुछ मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। अकॉर्डिंग टू हैंस सेले, वो खुद कहा है वी डू नॉट प्रेशर और स्ट्रेस, रदर इट इज आवर रिस्पॉन्स टू दैट सिचुएशन। अब ये जो लाइनें हैं, मैंने कहा था ना कि ये तनाव हम पॉजिटिव सेंस में थोड़ा सा लें, निगेटिव सेंस में ना लें। यदि पॉजिटिव सेंस में लेने लगेंगे तो हमारा तनाव आपरूपी कम हो जाएगा। और जो इस शब्द के जो निर्माता है वो खुद कह रहे हैं, वो कहते हैं कि हमें दबाव या तनाव नहीं मारता है, बल्कि यह तो उस स्थिति के प्रति हमारी प्रतिक्रिया होती है। लेकिन हम इसे नहीं समझ पाते, वी डू नॉट हिट प्रेशर और स्ट्रेस, रेदर इट इज आवर रिस्पॉन्स टू दैट सिचुएशन। हमें दबाव और तनाव हमें नहीं मारता, क्यों मारेगा? क्या वो कोई हथियार है क्या? क्या वो कोई वेपन है क्या जो चल जाए तो सीना छेद करके निकल जाए और हम मौत के मुंह उतर जाए? ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन हमारी परिस्थिति, हमारी स्थिति ऐसी हो जाती है उसके कारण कि हमको लगता है कि उन सभी समस्याओं से हम जूझने लगे, उस इस कदर हावी हो जाता है हमारे मानसिक सौरभ सर, एम आई एडिबल? अचानक से जो है वो लिंक थोड़ा सा ब्रेकडाउन हो गया, लिंक ब्रेकडाउन हो गया। मैं फिर से अपना स्लाइड स्टार्ट कर रहा हूँ, वेट थोड़ा सा। हम लोग तो ये हैंस सेले ने खुद कहा है। अब है कि तनाव को हम कैसे दूर करें, उसका पहला कदम है, पहला जो स्टेप्स है वो स्टेप्स क्या कहता है, द फर्स्ट स्टेप और रिमेडी टू मैनेज स्ट्रेस इज टू बी अवेयर ऑफ द टास्क दैट इंक्रीज स्ट्रेस इन यू एंड व्हेन यू नो इट यू कैन मैनेज स्ट्रेस। कहने का मतलब तनाव को प्रबंधित करने के लिए, तनाव को मैनेज करने के लिए सबसे पहला कदम या सबसे पहला उपाय यह है कि हम उन कार्यों से अवगत हों, उन वर्क से अवगत हों जिसमें हमें तनाव उत्पन्न होता है या जिनसे आप में तनाव बढ़ता है। और जिस दिन, जिस समय जब यह हम जान जाएंगे तो आपका तनाव खुद से आप प्रबंधित करना शुरू कर देंगे। हम उसको जब इग्नोर करते हैं, तनाव को जब इग्नोर करते हैं, तभी तनाव हम पर हावी होता है। हम यदि उस तनाव के बारे में सोचना शुरू कर दें कि हाँ मुझे इस वजह से तनाव हो रहा है, तो हम उसके उपाय करके हम उसको कम कर सकते हैं। जस्ट लाइक मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, यदि मुझे बुखार आ जाए थोड़ी देर के लिए और मैं किसी से शेयर ना करूं और मैं कोई उपाय ना करूं, कोई कदम ना उठाऊं, तो दो चीज हो सकता है। एक चीज तो ये हो सकता है कि बुखार या तो बढ़ सकता है या बुखार के कई कारण के वजह से हमारे शरीर में वो इस तरह से हावी हो सकता है कि वो अन्य सिम्टम्स को भी हमारे शरीर में उत्पन्न कर दे और फिर बहुत बुरी स्थिति में हम चले जाए, नंबर वन। नंबर टू ये हो सकता है कि बुखार आया, थोड़ी देर के बाद फिर छूट गया, हम ये सोचने लगे कि अरे बुखार आया था, थोड़ा मोटा ये था, थोड़ा ये था, लेकिन अब सही है। लेकिन यदि उसकी पुनरावृत्ति हो जाए, रिपीट हो जाए, बुखार बढ़ने लगे एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, तो आप क्या करेंगे? यदि आप कोई उपाय नहीं ढूंढेंगे, कोई कदम नहीं उठाएंगे,
तो फिर क्या होगा? मौत के मुंह से आप बच जाएंगे क्या? नहीं बच पाएंगे। इसीलिए हमारा ये कहना है कि इस तनाव को कम करने का सबसे पहला उपाय यही है कि उस सोर्सेज को आप ढूंढिए, उस टास्क को आप ढूंढिए जिसके कारण आपके अंदर वो तनाव उत्पन्न हो रहा है, लग जाइए उसके पीछे कि उसको हम कैसे कम करें। अब जो हमने हमारा जो मेन आज के सेशन का जो मुद्दा है, अब है कि मैं इस SWOT एनालिसिस के माध्यम से आपके तनाव को कैसे कम कर सकता हूँ। कुछ छोटे मोटे टिप्स मैं आपसे शेयर करूंगा, शायद वो आपकी सहायता या मदद कर सकता है। सबसे पहले हम SWOT में S की बात करेंगे, SWOT में S की बात करेंगे। अब ये S क्या है? जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ को हम हिंदी में शक्ति बोलते हैं। इस साधन का जो उपयोग है, क्योंकि ये हमारा एक टूल्स भी है, ये हमारा एक एनालिसिस का बहुत बड़ा जरिया है SWOT एनालिसिस। सौरभ सर, स्लाइड विजिबल है? यस सर। ओके सर, तो मैं एस की बात कर रहा था, एस फॉर स्ट्रेंथ। तो ये जो हमारा टूल है, इस टूल का उपयोग करने के लिए हम हो चाहे आप हो, हमें क्या करना चाहिए? अपनी जितनी स्ट्रेंथ है, अपनी जितनी आप अंदर, उन सभी शक्तियों को आप करना शुरू कर दीजिए। और यह सोचिए, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि आप एक तनाव की डायरी बना सकते हैं। यदि आप पर तनाव ज्यादा हावी होता है तो आप एक स्ट्रेस डायरी बनाएं, एक डायरी मेंटेन करें, और उस डायरी में आप ये मेंशन करें कि जिस क्षेत्र में, जिन बातों से, या जिस स्किल्स से, या जिस प्रकार की जिम्मेदारी में आप बहुत कुशल हैं, यानी आप बहुत मस्त, आप बहुत निपुण हैं या कुशलता रखते हैं, जिसके कारण आपके आसपास के जितने भी लोग आपको अपना मानते हैं या आदर करते हैं, उसकी एक लिस्ट बनाइए। आप अपनी शक्ति को पहचानिए, आपके अंदर अथाह शक्ति है, उन सभी शक्तियों को आप लिस्टिंग करिए। कभी कभी आप सुनते होंगे ना कि लोग आपकी प्रशंसा करते हैं। प्रशंसा उसी की जाती है जिसके पास कोई ना कोई एक पावरफुल स्ट्रेंथ है, एक पावरफुल मतलब उस प्रकार की चीजें उसके अंदर हैं जो केवल उसी में है, जिसके कारण हम उसकी प्रशंसा कर सकते करते हैं। अर्जुन की प्रशंसा इसीलिए की गई क्योंकि वह बाण चलाने में इतना माहिर था कि उसने अपने लक्ष्य को साधा और मछली के आंख में उस लक्ष्य को भेदा, इसीलिए अर्जुन की प्रशंसा की गई। यदि कोई दूसरा रहता, तीसरा रहता और चौथा रहता जिसने ऐसा काम को किया और वो असफल रहा, लेकिन प्रशंसा उसी अर्जुन की हुई। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ इसके अंदर थी बात, ऐसी योग्यता थी उसके अंदर। तो आप अपने अंदर छुपे हुए स्ट्रेंथ को पहचानिए, शक्ति को पहचानिए, उसकी लिस्ट तैयार करिए। आप ये भी देखिए कि आपके कितने ऐसे सहायक नेटवर्क हैं आपके पास। जैसे क्या आपके पास फैमिली है, क्या आपके पास मित्रों की टोली है, क्या आपके पास कोई ऐसी टीम है, या आपके पास कोई ऐसा सशक्त संपर्कित आदमी है, या आपका कोई सहकर्मी है, या कोई ऐसा नेटवर्क है जो आपको 24/7 आपको अपने मदद करने के लिए हाजिर रहता है, उसकी भी एक लिस्ट बनाइए। ये सभी तैयारी आपको करनी पड़ेगी थ्रू स्ट्रेंथ। आप इस स्ट्रेंथ के माध्यम से उन सभी रिसोर्सेस को भी लिखिए उस तनाव की डायरी में जिस पर आप अत्यधिक निर्भर रहना चाहते हैं, या फिर ऐसे स्रोत को ढूंढिए जो आपके लिए सबसे बड़े शक्ति के रूप में आपके सामने में हो सकता है। जैसे यदि किसी के पास बहुत अच्छा धन दौलत है तो क्या वो धन दौलत केवल तिजोरी में बंद करके, बैंक में रख करके क्या वो नाम कमा सकता है क्या? यदि है तो क्या हम ऐसे सिचुएशन में उस छोटे मोटे मदद नहीं कर सकते क्या? लोग कर भी रहे हैं लेकिन बहुत सारे लोग नहीं कर रहे।
कहने का मेरा मतलब ये है कि यदि आपके पास उस प्रकार की रिसोर्सेज हैं, धन दौलत है, संपत्ति है, पैसे हैं, तो आप उसमें से कुछ पैसे निकालिए और दूसरों की मदद करिए, क्योंकि आज परिस्थिति ऐसी है कि हमें न केवल अपने परिवार को चलाना है, न केवल अपनी फैमिली को आगे बढ़ाना है, बल्कि हमें साथ साथ हमें अन्य समाज में रहने वाले, आसपास पड़ोस में रहने वाले सभी व्यक्तियों की देखभाल भी करनी है। और यह देखभाल ऐसे नहीं होता, ये इस देखभाल को करने के लिए हो सकता है कुछ पैसे की जरूरत पड़ जाए आपको, छोटा मोटा ही सही आप करिए, आज लोगों की जरूरत है। और यदि आपके अंदर ये इस प्रकार का स्ट्रेंथ है तो आप उसका इस्तेमाल करिए। अब आप अपने डायरी को लिखने के बाद स्ट्रेंथ में जब आप अपनी डायरी लिखेंगे तो डायरी को पढ़िए, पढ़ने के बाद उन सभी चीजों पर अपना फोकस जो है, अपना अटेंशन जो है फोकस करिए, ध्यान केंद्रित करिए कि आपने अपने स्ट्रेस को किस प्रकार से लिस्टिंग किया, उसको कैसे मैनेज किया, जितने भी रिसोर्सेज आपके पास थे उसको कैसे आपने इंप्लीमेंट किया, कैसे दूसरों की सहायता पहुंचाई, और ये सभी प्रैक्टिसेस जितने भी थे आपके, जितने भी स्किल्स का आपने प्रयोग किया उसको भी लिखिए। इस प्रकार से आप अपने तनाव को, आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर पाएंगे, आप अपने स्ट्रेस को मैनेजमेंट कर पाएंगे। ये पहला स्वॉट एनालिसिस का सबसे पहला भाग, एस, एस फॉर स्ट्रेंथ। नंबर दूसरा वीकनेस, निश्चित रूप से जहां शक्ति है वहां कमजोरी भी है, दो हाथ से ताली बजती है एक हाथ से नहीं। आपके पास शक्तियां होंगी तो कुछ कमजोरी भी जरूर होगा, प्रकृति ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है, टैलेंट दिया है तो कुछ ऐसी भी चीजें दी हैं जो दोष है। तो आप अपने वीकनेस को, आप अपनी अपनी कमजोरियों को क्या करें, पहले पॉइंट आउट करें, उसको फाइंड आउट करें, चिन्हित करिए, उसकी भी एक सूची बनाइए, उस तनाव की डायरी में उस सूची में अपनी कमजोरियों को इंगित करिए वन बाय वन। जैसे आप उसमें ये इंगित कर सकते हैं कि ऐसा कौन सा फील्ड है, ऐसी कौन सी चीजें हैं या ऐसी कौन सी बातें हैं जिसमें या जिसको करने में हम सक्षम नहीं है, हम कंफर्टेबल नहीं है, और जब उस काम को करते हैं तो हमसे हमके हमारे अंदर तनाव उत्पन्न होता है। आप उसकी लिस्ट बनाइए, ऐसे बहुत सारे वीकनेस पॉइंट होंगे। और जब हम इन सभी चीजों की लिस्टिंग करेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सारे हमारे, जैसे मैंने कहा कि किसी के अंदर बहुत सारे टैलेंट है तो हम उसकी प्रशंसा करते हैं, और वही समाज जिसके अंदर बहुत सारी खामियां होती हैं, बहुत सारी बुराइयां होती हैं, उसकी प्रशंसा नहीं करता, उसका बुराई भी तो करता है, जस्ट लाइक कि उसके पास कोई ना कोई कमजोरी है, वीक पॉइंट है, जिसके कारण उस व्यक्ति की बुराई हो रही है। और यदि ऐसी बुराइयों का सामना आपने किया है इस वजह से कि मैंने वो काम किया और मैं उसमें फेल्योर रहा जिसके कारण मुझे लोगों के ताने सुनने पड़े, तो आप क्या करें, उन सभी चीजों की एक लिस्ट तैयार करें। और जब लिस्ट तैयार हो जाए उस कमजोरी की, तो आप पॉजिटिव तरीके से, सकारात्मक तरीके से उन सभी कमजोरियों को चुनौती दीजिए, चैलेंज दीजिए। अच्छा, मुझे इस वजह से आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, अच्छा मुझे इस कारण से मुझे दोषारोपण करना पड़ा, दोष दिया गया, या मुझे इस वजह से मेरे अंदर वो वीक पॉइंट है जिसके कारण मैं आए दिन या अक्सर या प्रत्येक दिन जो है मुझे कहीं ना कहीं जूझना पड़ता है। तो आप उस सभी कमजोरियों को, उस सभी वीकनेस पॉइंट को चैलेंज दीजिए, चैलेंज चुनौती दीजिए। फिर इसके बाद आप ये सोचिए, आप एतराज भी जता सकते हैं, अफसोस तो होगा ही जब आप निगेटिव चीजों को, जो आपका वीक पॉइंट है, जब उसके बारे में सोचना शुरू करते हैं तो आपको एहसास होता है, आपको एतराज होता है। जैसे मान लो एक परीक्षार्थी परीक्षा में फेल कर गया तो वो जरूर एनालिसिस करेगा, वो जरूर अपने वीक पॉइंट को ढूंढता है, समझता है। कुछ लोग
जब उसको सकारात्मक तरीके से लेते हैं तो अगली बार वही लड़का टॉप कर जाता है, और जब कुछ लोग उसी नकारात्मक तरीके से लेते हैं तो सुसाइड केस बन जाता है। बात तो वही था, एक विद्यार्थी ने उसको पॉजिटिव तरीके से लिया, वो अगले साल टॉप कर गए, लेकिन वही विद्यार्थी एक ऐसा था जिसने नेगेटिव तरीके से लिया और वो सुसाइड केस का एक उदाहरण बन गए। तो ये सोचने का तरीका है। तो आप पॉजिटिव सोचिए, इस प्रकार से आप अपने समस्याओं को प्रबंधित कर सकते हैं। और न केवल सोचिए बल्कि आप उस तनावपूर्ण स्थितियों को याद भी करते रहिए कि कहां गलती हुई, क्यों ऐसा हुआ। तब आप जब इस प्रकार से सोचेंगे तो आप अपने जीवन की कमजोरियों का आकलन करिए, असेसमेंट करिए। असेसमेंट बहुत जरूरी है, अपने आप को इंप्रूव करने के लिए असेसमेंट करना बहुत जरूरी है। अब जब ये नेचर आपके अंदर आ जाएगा ना, तो आप देखेंगे कि क्रमशः आप सही रास्तों पर चलना शुरू कर दिया है। तो इस प्रकार से W फॉर वीकनेस। थर्ड पॉइंट अपॉर्चुनिटी, O फॉर अपॉर्चुनिटी यानी अवसर। अब ये अवसर क्या है? अवसर इस प्रकार से है कि इस स्टेज में आप अपने उन सभी उपलब्ध अवसरों की तलाश करिए गंभीरता से जो आपके आसपास मौजूद है। इसके लिए सबसे पहले आप अपनी छांटी हुई शक्ति, जो स्ट्रेंथ में आपने छांटी थी, उसको एक बार फिर से अवलोकन करिए, फिर से ऑब्जर्व करिए स्ट्रेंथ वाले चैप्टर्स को, और फिर अपने आप से सवाल करिए कि आप अपने तनाव को मैनेज करने के लिए विभिन्न प्रकार की शक्तियों का कैसे सहारा लिया था। आप यह भी सोचिए कि इन्हीं शक्तियों को या इन्हीं स्ट्रेंथ को आप और भी एक्टिवेट करके उन अवसरों को तलाश सकते हैं क्या जिसकी आपको ज्यादा जरूरत है, और फिर उस अवसर के विभिन्न पायदानों पर बारी बारी से सीधी दर सीधी चढ़ने के लिए आप व्यापक योजना तैयार करें, और उस योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए टाइम टेबल बनाइए, और टाइम लिमिटेशंस का सहारा लेकर के उन क्रियाओं को जिद्दी पूर्वक पूरा करिए, जिद्दी बनिए। आप देखेंगे कि आप धीरे धीरे अवसर की राहों को पूरा कर रहे हैं, बीच बीच में आप अपना असेसमेंट भी करते रहें, क्योंकि इससे आपका काम और भी आसान हो जाएगा। मैं यहां एक उदाहरण देना चाहूंगा। इसी कोविड 19 के दौर में हमारे बीएड 19-21 की एक छात्रा अध्यापिका कांति कुमारी, मैं तो दंग हूं, और दंग से ज्यादा बहुत खुशी होती है, गौरवान्वित फील करता हूं, अच्छी फील होती है। तो हमारी इस स्टूडेंट ने, महाविद्यालय की इस टैलेंट स्टूडेंट ने, इस कोविड 19 में उसी अवसर को ढूंढा। क्या ढूंढा? पढ़ने में तो तेज थी ही, लेकिन उसने क्या किया कि नेट के एग्जामिनेशंस में नेट की जम करके तैयारी की। वो चाहती तो यूट्यूब चैनल्स देख सकती थी, फिल्में देख सकती थी घर बैठे हुए, या अपने टाइम को गलत तरीके से इन्वेस्ट कर सकती थी, या बातचीत कर सकती थी। आजकल फोन पर देखते हैं 24 घंटे लोग बातचीत करते रहते, अनावश्यक तरीके से फोन में लगना, अनावश्यक तरीके से कई अन्य प्रकार की चीजों को देखना, और इससे आपको लगता है कि बहुत खुशी मिलती है। यदि ऐसा आप सोचते हैं तो आप पूरी तरह से गलत हैं। जिस रिसोर्सेज को आप पॉजिटिव तरीके से लेंगे तो वो रिसोर्स का जो आउटकम्स है पॉजिटिव ही आएगा, लेकिन यदि आप निगेटिव रिसोर्स का इस्तेमाल करके पॉजिटिव आउटकम्स के बारे में सोचते हैं तो आप सोचते ही रह जाएंगे, तो फिर वो कभी नहीं पूरा हो पाएगा। कांति ने क्या किया, उसी अवसर को ढूंढा और देखा कि मैंने नेट का एग्जामिनेशन का फॉर्म फिल किया है, मेरे पास अवसर है। क्या हो गया, बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जामिनेशन नहीं हो पाए? हम स्ट्रेस नहीं लेंगे, हम तनाव में ग्रस्त नहीं होंगे। उसने नेट के एग्जामिनेशन में दिन रात लग करके तैयारी की, और वही स्टूडेंट्स पिछले साल 2020 में नेट के एग्जामिनेशन में हिंदी विषय में
नेट जीआरएफ उत्तीर्ण की, कल्पना कर लीजिए ये कितना बड़ा अचीवमेंट है, कितना बड़ा अचीवमेंट। तो हम इन अचीवमेंट के पीछे भागिए, मैंने कहा ना जिद्दी, जिद्दी बनिए, यदि जिस चीज को आप पाना चाहते हैं जो आपके लाइफ को सिक्योर कर सकता है एज ए लर्नर्स एज ए टीचर्स, उसके पीछे आप दौड़िए नहीं, एकदम रेस हो जाइए, भागिए जितना आप भाग सकते हैं, जितनी ताकत आप लगा सकते हैं, जितना भी आपके अंदर स्ट्रेंथ है, लेकिन आपको भागना होगा, आपको दौड़ना होगा, आपको सोचना होगा, आपको जिद्दी बनना होगा। और जब ये चीजें आपके अंदर आ जाएंगी तो आप देखेंगे कि वो सभी अवसर आप भुनाने लगे, वो सभी अवसर आपके पैरों को चूम रहे हैं, आप सोच भी नहीं पाएंगे कि ये कैसे हो गया, नहीं सोच पाएंगे। लेकिन ये होता है एक संकल्प शक्ति के साथ होता है, एक दृढ़ संकल्प आपको लेना होगा इस अवसर को भुनाने के लिए। और ये काम आसान नहीं है, आपको तपस्या करना होगा, आपको पसीना बहाना होगा, आपको टाइम देना होगा स्टडी करने के लिए, तभी हो पाएगा। मैं उन सभी स्टूडेंट्स को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इस लेक्चर सेशन के माध्यम से कहना चाहूंगा, यदि कोई भी लड़का या कोई भी स्टूडेंट्स, कोई भी हमारी प्रशिक्षु यदि आज नेट की तैयारी कर रहे हैं या कोई अन्य एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा अवसर है, आप लगिए उसके पीछे, लगिए, केवल कहने भर के नहीं, नहीं कि हमने फॉर्म फिल कर दिया है, एग्जामिनेशन होगा तो हम बैठ जाएंगे, आपको लगना होगा, उन अवसरों को भुनाना पड़ेगा। होगा, बीएड का एग्जामिनेशन जब होगा तब होगा, तब देख लेंगे, लेकिन यदि मान लो नहीं हो रहा है तो क्या क्या हम रुक जाएं, क्या हम अन्य विकल्पों का सहारा ना लें या अन्य विकल्पों के बारे में ना सोचें? तो आप सोचना शुरू कर दीजिए। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि आपका जो स्ट्रेस है वो कहीं ना कहीं मैनेज हो रहा है। अब सबसे लास्ट पॉइंट, थ्रेट की बात हम करेंगे, थ्रेट्स की बात करेंगे, आशंका, आशंका। एक चीज बताऊं मैं आपको, ये जो आशंका शब्द है इसमें आ हटा दीजिए तो शंका, डाउट्स, संदेह की स्थिति, लेकिन आ जो है वो इसके शब्द के जो जो उसके जो शब्दार्थ हैं उसको बदल दे रहा है। ये आशंका क्या है और ये तनाव को कम करने में कैसा सहयोग कर सकता है? इस भाग के लिए, चूंकि यह हमारे स्वॉट एनालिसिस का सबसे लास्ट भाग है, सबसे लास्ट पार्ट है, तो इस पर भी हमें विचार करने की जरूरत है। हम सभी जानते हैं कि हम आशंकाओं से हमेशा घिरे रहते हैं। अभी भी आप जब क्लास कर रहे होंगे तो आप कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत सारे डाउट्स उत्पन्न हो रहे होंगे, क्लास को लेकर के या घर को लेकर के, परिवार को लेकर के, फैमिली को लेकर के, बच्चों को लेकर के बहुत सारे डाउट्स फील करते होंगे। लेकिन इसी डाउट्स को एक वेपन बना करके, एक टूल्स बना करके हम तनाव को कैसे मैनेज करें? कहा जाता है यदि आप अपनी कमजोरियों को वैसे ही छोड़ देंगे, धड़े के धड़े छोड़ देंगे, तो क्या परिणाम होगा ये भी सोचना आपको होगा। कहने का मतलब ये है कि यदि आपके अंदर तनाव उत्पन्न हो रहा है किसी वजह से और आप उसको इग्नोर कर दे रहे हैं तो आप उसके परिणाम के बारे में भी सोचिए। यदि मैं इस चीज को इग्नोर कर दूंगा तो परिणाम क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, ये भी आपको सोचना होगा। यदि आप यह सोचेंगे तो यह आप भी सोच पाएंगे, यदि आप तनाव प्रबंधन में असफल रह जाते हैं तो आप में आपके अंदर सफलता, सुख शांति आदि को कितना क्षति पहुंचता। इस प्रकार आप यह सुनिश्चित करिए कि आप साथ एक मोटिवेटर के रूप में स्वीकार करिए, आप अपने तनाव को आशंका रूपी मोटिवेटर के रूप में स्वीकार करिए। ठीक है, आया है, मैं उस चीज को देख रहा हूं और मैं उसको हावी नहीं होने दूंगा। ये जो डाउट्स होते रहते हैं कि क्या हो रहा है, जैसे इस सेशन से पहले एक बात हो रही थी कि टीवी पर बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं या बहुत सारे ऐसे न्यूज आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि हमारी जिंदगी को या हमारे आसपास के माहौल को इस कदर से प्रभावित कर दिया है, जब खोलिए तब निगेटिव चीजें। तो क्या करें, न्यूज देखना बंद कर दें क्या?
क्या करें? क्या हम अपने आप को रोक सकते हैं क्या, जो व्यक्ति न्यूज से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखता होगा? तो आपके अंदर जो आशंकाएं आ रही हैं कि इस न्यूज ने हमें इस कदर से क्यों प्रभावित किया, और यदि आप उस शंका के बारे में सोचना शुरू कर देंगे तो आपके उपाय भी सामने लगे। अच्छा ठीक है, न्यूज ही तो है, आया है आया है, लेकिन आप हावी ना होने दें। ये मेजर इश्यू है, मेजर पॉइंट है। इस प्रकार उस आशंका को आप एक मोटिवेटर का दर्जा दीजिए। स्वॉट एनालिसिस तनाव प्रबंधन के संदर्भ में आपके स्वयं की स्थिति को समझने में आपको सहायता प्रदान करता है। अब मेरा जो लेक्चर है, मैं चाहूंगा वो समराइज्ड करूं, क्योंकि समय हमको लगता है कि ज्यादा हमने ले लिया है, मुझे पता नहीं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि हम अपनी समरी की तरफ बढ़ें। सारांश के तौर पर मैं यही कहूंगा कि स्वॉट एनालिसिस में जो पहला एस है ना, वह आपके शक्तियों को पहचानने से है। आप अपने स्ट्रेंथ को पहचानिए, जो आपकी सहायता तनाव प्रबंधन के पहले सोपान की सीढ़ी है। दूसरा W, वीकनेस, आप अपनी कमजोरियों के अवलोकन करिए, जिसकी पहचान कर आपको अपने जीवन में परिवर्तन लाना है। और इसमें वे सभी कौशल, वे सभी स्किल्स शामिल हैं, वे सभी प्रैक्टिसेस शामिल हैं जिन्हें आपको प्राप्त करने के लिए ज्यादा से ज्यादा आवश्यकता है, प्राप्त करने की ज्यादा आवश्यकता है। तीसरा ओ, अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी यह कहता है कि आप अपने अवसरों को देखने से आप यह भली भांति समझ सकते हो कि आप अपने जीवन में तनाव को काबू करने के लिए आप अपनी शक्तियों को प्रयोग कैसे कर सकते हैं, जरूरी है। और अंत में लास्ट बट नॉट लीस्ट टी फॉर थ्रेट्स, यह चेतावनी देता है कि आप विभिन्न प्रकार की आशंकाओं पर अधिक विचार करें, और आप यदि अच्छे तरीके से अपने तनाव को प्रबंधन नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसके कुरूप प्रभाव पर भी विचार करिए। और जब यह विचार आपके मन में आने लगेगा तो उसको एक मोटिवेटर का दर्जा दीजिए, यानी आप अपने अभिप्रेरणाओं का जो स्रोत है वो स्रोत बनाइए उस आशंकाओं को, और लग जाइए इसके पीछे। अंत में मैं यही कहूंगा कि तनाव हमारे जीवन की एक सामान्य घटना है, कॉमन घटना है, जो यह अनवरत चल रहा है, कंटिन्यूअस चल रहा है और चलता ही रहेगा। जीवन है तनाव, कहते हैं ना, स्ट्रगल ही लाइफ, संघर्ष ही जीवन है, और जहां संघर्ष होगा वहां तनाव होना ही होना है, कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए इसे इग्नोर ना करिए, बल्कि इसे सकारात्मक तरीके से जीवन में प्रयुक्त करना सीखिए, और इसीलिए तनाव को अपने जीवन में नमक और मिर्च की भांति समझिए। मुझे एक कोटेशन याद आ रहा है, वो कोटेशन है हेराक्लाइट्स का। उसने एक बार कहा था, हे ईश्वर, हे अल्लाह, हे गॉड, हे भगवान, जिन कार्यों को मैं परिवर्तित नहीं कर सकता उन्हें स्वीकार करने की शांति मुझे प्रदान कीजिए। हे गॉड, हे अल्लाह, हे ईश्वर, हे भगवान, जिन कार्यों को मैं परिवर्तित कर सकता हूं उन्हें करने का हमें साहस प्रदान कीजिए। और लास्ट में उसने ये कहा, हे गॉड, हे ईश्वर, हे अल्लाह, हे भगवान, आप हमें इन दोनों में अंतर जानने की बुद्धि दीजिए। ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बस एक लाइन के साथ अपने लेक्चर्स को विराम दूंगा। जिंदगी वक्त के बहाव में है, जिंदगी वक्त के बहाव में है, यहां पर हर आदमी तनाव में है, यहां पर हर आदमी तनाव में है। थैंक यू वेरी मच, ओवर टू यू सौरभ सर। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पे आपने बहुत नई सारी चीजों को बताया, और हमारे प्रशिक्षुओं ने उसको समझा भी होगा और उसका लाभ भी लेंगे। साउट एनालिसिस के बारे में समझाया कि हमें किस प्रकार से अपनी शक्तियों को समझना है, किस प्रकार से हमें अपनी वीकनेस को जानना है, और अपॉर्चुनिटी से कैसे हमें लाभ उठाना है, और अपनी जो शंकाओं को दूर करना है, इसके बारे में आपने समझाया। और निश्चित तौर पे आज का जो हमारा जो प्रोग्राम है स्ट्रेस मैनेजमेंट विषय पे,
वो आज के जो समय चल रहा है, जो दौर चल रहा है, उसमें सभी को अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है। हर व्यक्ति, हर पर्सन जो भी है विश्व का, वो किसी न किसी प्रकार से स्ट्रेस लिया हुआ है। और ये आज का जो हमारा प्रोग्राम है, सभी प्रशिक्षुओं को, सभी के लिए लाभान्वित रहेगा। मैं यहाँ पे अब हमारा अगला जो सेशन है वो क्वेश्चन आंसर सेशन है। यदि किसी प्रशिक्षु को कोई भी प्रश्न पूछना है तो वो हैंड राइज कर सकते हैं और उनके प्रश्न को हम ले। हाँ, सुष्मिता ने हाथ रेज किया है, प्लीज आस्क क्वेश्चन सुष्मिता। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी वन मोर टाइम। मैं सुष्मिता सिंह सेशन 20-22 की छात्र हूँ। मेरा प्रश्न रिस्पेक्टेड झा सर से है। सर, जैसा कि हम अभी देख रहे हैं कि काफी दिनों से हमारा कॉलेज बंद चल रहा है, तो इस वजह से हम काफी स्ट्रेस फील करते हैं अपने स्टडी को लेके। हम अपने डेली रूटीन में अपने स्टडी के टाइम टेबल को कैसे सेट करें, कितना आवर दें हम अपने स्टडी के लिए, जिससे हम मतलब अपने स्टडी को लेकर स्ट्रेस भी फील ना करें और ये कोविड हमारे स्टडी पे हावी भी ना हो सके। 3.5 आवर तो हमारा ऑनलाइन क्लास चलता है, इसके बाद का जो हमारा टाइमिंग है उसमें हम अपना कितना टाइमिंग अपने स्टडी के लिए सेट करें, प्लीज शो। ओके, थैंक यू वेरी मच। आपका सवाल बहुत ही वाजिब है और आपका सवाल बहुत ही प्रासंगिक भी है। देखिए, हमारा जो अपना स्टडी मैनेजमेंट है, जैसे आपने कहा कि 3.5 घंटा हम लोग क्लासेस में रहते हैं, उसके बाद का टाइम जो है हम कैसे उसको स्पेंड करें या किस प्रकार से उसको मैनेजमेंट करें, इसको हम लोग समय प्रबंधन कहते हैं, टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। मौका मिला कभी आगे तो टाइम मैनेजमेंट पर भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल जो आपका सवाल है उस सवाल का जो जवाब है वो यही है कि हमारे पास 24 घंटे हैं, हमारे पास 24 घंटे हैं। उस 24 घंटे को हम किस प्रकार से डिवाइड करें, किस प्रकार से क्लासिफिकेशन करें, मैं एक छोटा मोटा एग्जांपल देता हूं। मैं एग्जांपल ये दूंगा, जैसे मैं स्टडी पढ़ता हूँ, रिसर्चेस के बहुत सारे स्टडीज आते हैं, हमें कितना देर तक सोना चाहिए। कहा जाता है कि एक व्यक्ति को यदि सही नींद की आवश्यकता है तो कम से कम 8 घंटे जरूर नींद लेना चाहिए। तो आपके पास कितने बचे घंटे? 16 घंटे। 16 घंटे में आप कह रही हैं कि हमारे पास 3.5 घंटा या हम 4 घंटा मान लें, एक अप्रोक्स 4 घंटा मान लेते हैं कि हम ऑनलाइन क्लासेस में अपना टाइम स्पेंड करते हैं, तो 8×4=12 घंटा आप एकदम हाफ हो गया। हमारे पास बचे कितना? तो 12 घंटा बचा। अब ये 12 घंटा हम कैसे अपने आप को सेटल करें या अपने आप को एडजस्ट करें ताकि हमारा काम अच्छे तरीके से हो जाए? दो छोटी छोटी चीजें मैं आपको बताऊंगा। दिनचर्या को व्यवस्थित करने के लिए जो सामान्य दिनचर्या है, जैसे खाने की बात, शौच जाना या थोड़ी बहुत किसी से बातचीत कर लेना या किसी प्रकार से अपने घर के सदस्यों से बात कर लेना, घंटा या 2 घंटा, मैक्सिमम 2 घंटा मान लीजिए। बात करना भी जरूरी है, इससे हमारा स्ट्रेस रिलीज होता है, इससे हम अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि अंदर की बात यदि आप किसी से शेयर करते हैं या किसी से बातचीत करते हैं तो आपका मन हल्का रहता है। तो हम ये 2 घंटा ले लेते हैं। 1/2 घंटा खाने पीने में आप लगा लीजिए, 3 घंटा इधर हो गया, तो 12×3=15 घंटे हो गए। 15 घंटे के अलावा आपके पास कितना समय बचा? 15 घंटे के अलावा आपके पास जो समय बच रहा है 9 घंटा। अब इस 9 घंटे में, यही 9 घंटा जो है आपको तनाव दे रहा है। अब इस 9 घंटा में स्वाभाविक है, आप 4.5 घंटा या 3.5 घंटा क्लास करते हैं तो टीचर कुछ ना कुछ होमवर्क देते होंगे, आपको रिवीजन करने की जरूरत पड़ती होगी या पढ़ने की जरूरत पड़ती होगी, क्योंकि 3.5 घंटे क्लास में या 4 घंटे की क्लास में आपको उतना सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा होगा जितना सेटिस्फेक्शन शायद सेल्फ स्टडी करने से हो। तो आप इस 9 घंटे में, मेरे विचार से, ये मेरा अपना व्यक्तिगत ओपिनियन है, मेरे विचार से आप कम से कम जितना 4 घंटा आप क्लासेस के लिए देती हैं तो 4 घंटा आप सेल्फ स्टडी के लिए भी दीजिए। आप देखेंगे कि आपका जो नॉलेज है उसमें कितना इन्हेंस हो जा रहा है। ये स्टडी ऐसे नहीं होगा केवल लेक्चर क्लासेस को सुन लेने से या ऑनलाइन क्लासेस को कर लेने से नहीं होगा। उस ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ी हुई जो तमाम तरह की चीजें हैं, जैसे बुक्स है, जैसे जर्नल्स हैं, जैसे मैगजीन्स हैं, जैसे आर्टिकल्स हैं,
उन सभी चीजों को आप संग्रह करिए और उससे रिलेटेड जो रेफरेंसेज हैं उसको पढ़िए, रेफरेंस बुक के तौर पर मैं उसको पढ़िए। ये चार घंटा आप समय दीजिए उसमें, एक आध घंटा आप टीवी देखने में लगाइए, कुछ अच्छी अच्छी चीजों को देखिए जो आप देखना पसंद करती हैं, जैसे सीरियल्स है या जो अच्छी फिल्में आ सकती हैं, फिल्में आ रही हैं तो आप फिल्मों को देख सकती हैं जिससे आपका थोड़ा इंटरटेनमेंट हो, मनोरंजन हो। तो चार घंटा उधर आपके पास पांच घंटे बचे थे उसमें से एक घंटा या दो घंटा आप टीवी निकालने के लिए समय निकाल लीजिए। हम मोबाइल की बात करें तो हम मोबाइल को भी इग्नोर नहीं कर सकते, मोबाइल पर तो हमारा पूरा संसार, नॉलेज का पूरा स्रोत मौजूद है। मोबाइल पर मैं आप सर्च करिए कहाँ क्या कौन सी चीजें मौजूद हैं, कौन सी नई नई चीजें हमारे आसपास घट रही हैं या जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है उसको टाइप करिए, सर्च करिए, पढ़िए, समझिए, नोट करिए। उन सभी चीजों को करने के लिए आप एक आध घंटा या दो घंटा आप उसमें समय निकाल लीजिए। बचा आपके पास एक घंटा, तो एक घंटा, ये जो एक घंटा बचा ना, इस एक घंटे का इस्तेमाल एक नंबर योग करिए, योग करिए, योगा करिए, एक्सरसाइज करिए। इस योगा से, एक्सरसाइज से आपको बहुत लाभ होगा। अनुलोम विलोम करिए, प्राणायाम करिए, कपाल भारति करिए, पॉजिटिव सोचिए, प्रकृति की गोद में जाइए, छत पे जाइए, एकांत में बैठिए, मनन करिए, आंखें बंद करिए। आंखें बंद करके आप आसपास की चीजों को महसूस करिए, हवाओं को महसूस करिए। आप देखेंगे, आप पाएंगे कि आपके अंदर जो पॉजिटिविटी है वो काफी बढ़ती चली जा रही है। तो ये मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है, इसको आप अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें तो शायद वो हो पाएगा। मे बी बाकी आप अपने घर के कामों को, आप महिला है हैं, आपको घर का भी काम करना पड़ता है, घर के कपड़ों को धोना, खाना बनाना वगैरह, उन सभी चीजों को, खाना बनाना, कपड़े धोना, बच्चों की भी देखभाल करना, माता पिता की देखभाल करना, उनको दवाइयां देना या साफ सफाई करना, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आप अपने आप को इंगेज कर सकते हैं। बस आपको ढूंढना है कि कहाँ हम इंगेज हो सकते हैं और हमेशा आप पॉजिटिव रहिए। ये पॉजिटिविटी आपको आगे बढ़ाएगा। यही मेरा उत्तर था। थैंक यू सर, मेरे क्वेश्चन का आंसर मिल गया सर। थैंक यू सर। आपने ये बताया कि कैसे हमें अपना समय का प्रबंधन करना चाहिए। सभी के लिए टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है निश्चित तौर पे। और किसी और प्रशिक्षु को यदि कोई प्रश्न पूछना तो पूछ सकते हैं, और हमारा समय भी काफी हो चुका है। यदि हैंड राइज कर सकते हैं किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो। यहाँ पे अभी और किसी का प्रश्न नहीं है। मैं यहाँ पे भारती कुमारी, सेशन 20-22 की एक प्रशिक्षु हमारी, वो कुछ बताना चाहती है तो आपने को अनम्यूट कर सकती है। भारती क्या मुझे आप सुन पा रही हैं? हेलो सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। भारती आप थोड़ा समय का ध्यान रखिएगा। भारती बोलिए आप। एक मिनट सर, हम चेक करते हैं। हेलो, आपकी आवाज आ रही है। ओके सर। सर जितने देर में हमारे स्ट्रेस मैनेजमेंट पे सारे सर ने, मैडम ने, आदरणीय प्रधानाचार्य ने बताया, तो सर 2 मिनट मैंने खुद से लिखा है सर, और मैं उसे बोलना चाहती हूँ। बहुत डर लग रहा था, नहीं बोलने का मन कर रहा था, तो फिर सोचा कि मैं लिखी हूँ और नहीं बोल पाऊंगी तो मेरे साथ बहुत गलत होगा, ये भी एक स्ट्रेस ही है। तो सर मैं बोलना चाहती हूँ, आदरणीय डॉक्टर संजीता मैम, सौरभ सर, झा सर, मृदुला मैम, बागेश सर, मोहित सर एवं हमारे सभी प्रशिक्षु भाइयों एवं बहनों, सबसे पहले हम आप सबों के अच्छे स्वभाव की कामना करती हूँ। आज के दौर में कोरोना महामारी पूरे विश्व में फैला हुआ है,
जिससे अन्य कुछ देशों के साथ हमारा भारत भी अत्यधिक प्रभावी है। हमारे भारत में अभी तक लगभग 2,37,00,000 लोग कोरोना से पीड़ित हुए हैं, लेकिन इस बीमारी का डर 137 करोड़ देशवासियों के मन में समा चुका है, जो कि कोरोना महामारी से ज्यादा भयावह है। इससे लोग काफी तनाव में हैं। आज का विषय है स्ट्रेस मैनेजमेंट, जिसका हिंदी होता है तनाव प्रबंधन। भाइयों, हम जब दुनिया में उपस्थिति प्रत्येक प्रकार के भय तथा उसे सुरक्षा के मध्य तालमेल उपस्थित करने में विफल होते हैं, तब तनाव उत्पन्न होता है। दूसरे रूप में यह कहा जा सकता है कि सुरक्षित मनुष्य सुरक्षित होने के लिए सदैव तत्पर है, जो भी एक तनाव की ओर ले जाता है। स्ट्रेस या तनाव को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है इच्छित तनाव, जो या खतरनाक नहीं बल्कि हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करता, और दूसरा अनिच्छित तनाव, जिस पर व्यक्ति नियंत्रण नहीं कर सकता है और कई तरह के परेशानियों को खड़ा करता है। अतः हम कह सकते हैं कि हर तनाव हानिकारक नहीं होता है। यह भी सत्य है कि प्रत्येक व्यक्ति तनाव मुक्त रहना चाहता है। अभी जो यह महामारी काल चल रहा है, उसे अधिकतर लोग तनाव में चल रहे हैं। हम इन परिस्थितियों में तनाव को कम करने के लिए मुख्य तरीका अपने समय को बेहतर प्रबंध करना। इसके अंतर्गत अपने दैनिक जीवन के दिनचर्या को सुव्यवस्थित करना, तनाव वाले कार्यों को नजरअंदाज करना, नियमित व्यायाम तथा योग के द्वारा भी हम तनाव को कम कर सकते हैं। अपने कार्यों का प्राथमिकता निर्धारण करना एवं उसके अनुसार कार्यों को संपन्न करना। हमें अपनी आवश्यकताओं को पहचानना है तथा सामाजिक सरोकारों में शामिल करते हुए व्यस्त रहना है। प्रत्येक तनाव का बीजारोपण कहीं ना कहीं भावना से ही उत्पन्न होती है। अतः हम अपनी भावनाओं पर काबू रखें एवं अपने कलात्मक अभिव्यक्ति को निखारे तथा अपने शौक पर ध्यान दें एवं पूरी नींद ले, यह सोचकर कि प्रत्येक अंधियारी रात के बाद एक सुनहरा और नया सवेरा आता है। बहुत जल्द ही यह महामारी से हम जीतेंगे, हम कामयाब होंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करते हुए अंत में आप सभी से यह जरूर आग्रह करना चाहूंगी कि इस महामारी काल में आप डरे नहीं, सावधान रहें, सरकार द्वारा जारी सभी नियमों का अच्छे से पालन करें और टीका जरूर लगाएं। पुनः आप सबों को धन्यवाद देते हुए अपनी बातों को समाप्त करती हूं। धन्यवाद। थैंक यू सर। बहुत सुंदर भारती, आपने बहुत अच्छे तरीके से, मुझे लगता है कि जो हमारी आज के पहली स्पीकर मृदुला भगत मैम और जो झा सर, सीएन झा सर के द्वारा जो बताया गया है, उसको बहुत अच्छे से आपने भी समझ लिया है। और जितने भी हमारे प्रशिक्षु इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी इस चीज को भारती और जितने प्रशिक्षु सबने समझ लिया होगा, और जो भी उनके साथ के सहयोगी मित्र और जो भी हैं, उनको भी बताएंगे कि किस तरह से हमको अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है। और मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगा कि ग्रुप में झा सर के द्वारा एक क्विज शेयर किया गया है, सभी जितने पार्टिसिपेट हैं उसमें प्रतिभाग करें, उसमें अपने को उसमें आंसर दें, और साथ साथ में फीडबैक लिंक भी आपको शेयर किया गया है और अटेंडेंस लिंक है, सभी लोग इसमें अपना प्रतिभाग करें और उसमें अपना अटेंडेंस भी बना लें और फीडबैक अवश्य दें सभी। अब हमारा कार्यक्रम अंतिम पड़ाव की ओर है और
निश्चित तौर पे इस कार्यक्रम में सभी ने अपनी सहभागिता दी, सभी ने बहुत सहयोग दिया है। अब मैं हमारे महाविद्यालय के आईक्यूएसई सेल के कोऑर्डिनेटर मोहित तिवारी सर से चाहूंगा कि वो मोहित सर। हाँ सौरभ सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। ओके, इस कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन के लिए सर आपको स्वागत है सर, आप धन्यवाद ज्ञापन जी। तनाव प्रबंधन पर आज के इस व्याख्यान कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर मैंने सबसे पहले यह आयोजना किया था कि मैं सर्वप्रथम धन्यवाद ज्ञापन प्रिंसिपल मैम का करूंगा, लेकिन उसके पहले ही हमारी बीएड 2020-22 की प्रशिक्षु भारती कुमारी ने एक तरीके से आज के कार्यक्रम का जो संक्षेपण कहें या एक तरह से कहें कि रिपोर्ट राइटिंग जैसा उन्होंने जो सार एक बार फिर से सारांश और निचोड़ जिस तरीके से बता दिया, मैं सबसे पहला धन्यवाद उन्हीं का करना चाहूंगा। आपके इस प्रयास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पर आप अपने शब्दों को जिस तरीके से आपने अपने तनाव को प्रबंधित किया, ये आज के कार्यक्रम के सफलता का द्योतक है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं भारती जी। धन्यवाद ज्ञापन की इस कड़ी में मैं महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर संजीता कुमारी का, जिन्होंने अपना व्यक्तिगत उदाहरण देकर प्रशिक्षुओं को तनाव प्रबंधन के लिए आत्मविश्वास बनाए रखने, सकारात्मक सोच से किसी भी समस्या का समाधान करने एवं दिमाग के शांत चित रखने की शिक्षा दी। अगर मैं कहूं कि आज के उनके जितना भी उन्होंने अपने अमूल्य समय से और जिस तरीके से अच्छा स्वास्थ्य ना होने की स्थिति में भी उन्होंने जो कोटेशन अपना कहा था, मैं उसे एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि प्रॉमिस योरसेल्फ, नो वन कैन डिस्टर्ब योर पीस ऑफ माइंड। तो ये बहुत बड़ी बात है और कहीं ना कहीं हम सभी लोग पीस एजुकेशन की भी बात करते ही रहते हैं, तो मैं प्रिंसिपल मैम का भी आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद ज्ञापन की इस कड़ी में मैं आज की स्पीकर मिसेस मृदुला भगत मैम का, जिन्होंने 9 तरीकों से बहुत ही बेहतरीन ढंग से तनाव को प्रबंधित करने की बात बताई, मैम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के इस व्याख्यान कार्यक्रम के दूसरे सत्र के स्पीकर मिस्टर सी एन झा सर, जिन्होंने कहानी के माध्यम से बहुत ही रोचक ढंग से अपनी बात को प्रारंभ किया और स्वॉट एनालिसिस के माध्यम से तनाव प्रबंधन के आपने जो गुर बताया, निश्चित तौर पर हमारे प्रशिक्षु से लाभान्वित होंगे और अपने तनाव को दिन प्रतिदिन की समस्याओं से निजात पाने में उपयोग करेंगे। साथ ही साथ मैं अपने महाविद्यालय के एनएसएस कोऑर्डिनेटर, जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद है आगे भी इस तरीके का कार्यक्रम करते रहे, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कार्यक्रम में अपना सहयोग देने के लिए। बागी सर, कृष्णा सर, मनीष सर, अजय सर, सभी हमारे जो सहकर्मी हैं उनका, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमें प्रत्यक्ष रूप में नहीं दिखाई देते हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से तकनीकी सहयोग दे रहे नीरज जी, रोहित जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में मैं बीएड एवं डीएलएड 2019-21 के प्रशिक्षुओं का, 2020-22 के प्रशिक्षुओं का भी धन्यवाद, विशेष धन्यवाद मैं उनका करना चाहूंगा जिन्होंने आज के कार्यक्रम में अपना प्रश्न पूछा, सुष्मिता का, पूजा का, लोगों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। और जूम प्लेटफॉर्म का भी धन्यवाद जिसके सहयोग से हम लोग जुड़े। लास्ट में इतना ही कहना है कि ना किसी रहबर से निकलेगा, ना किसी रहगुजर से निकलेगा, ना किसी रहबर से निकलेगा, ना किसी रहगुजर से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। हम सभी को अपने अपने तनाव को प्रबंधित करना होगा। थैंक यू सो मच, ओवर टू सौरभ सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी, आपने धन्यवाद ज्ञापन दिया क्योंकि आज का जो कार्यक्रम हमारा है, ये व्याख्यान कार्यक्रम ये एनएसएस के तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है, तो एक बार पुनः मैं भी सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा, सर्वप्रथम प्रिंसिपल मैम का और जितने भी हमारे फैकल्टी मेंबर हैं, हमारे मोहित सर, वागीश सर, मनीष सर,
अजय सर, कृष्णा सर और साथ साथ में हमारे जो स्पीकर रहे उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मोहित सर ने बताया, जो प्रत्यक्ष हैं वो तो दिख रहे हैं, निश्चित तौर पे इस कार्यक्रम को सफल बनाने में मैं रोहित जी का और हमारे नीरज जी का टेक्निकल सपोर्ट जो रहा है पूरी तरह से, कार्यक्रम के बाद भी इनका बहुत सारा कार्य रहता है, मैं इनका भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद एक बार पुनः करता हूँ। और जितने भी प्रशिक्षु हमारे जुड़े हुए हैं बीएड के और डीएलएड के 19-21 के 20-22 के, मैं यहाँ प्रशिक्षु उन्हें एक बार नहीं कह के इन्हें स्वयं सेवक कहूंगा, क्योंकि आप एनएसएस के वॉलंटियर्स हैं हमारे महाविद्यालय के, तो एनएसएस प्रभारी होने के नाते, कोऑर्डिनेटर होने के नाते मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज का कार्यक्रम आपने सफल बनाने में अपना सहयोग दिया। और हमारे जो हमारे मुख्य स्पीकर थे आज के, मंडला भगत मैम और हमारे झा सर, सीएन झा सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपने विचारों से हमारे सभी प्रशिक्षु, हमारे स्वयं सेवकों को लाभान्वित किया। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का भी और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी अपने शब्दों के साथ मैं सभी से कहना चाहूँगा कि सभी अपने जगह पे खड़े हो जाएंगे और हम सभी लोग राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाते हैं और राष्ट्रगान को शुरू करते हैं, शुरू किया जाए। जन गण मन अधिनायक जय है, भाग्य विधाता, पंजाब सिंध पंजाब गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, द्राविड उत्कल बंगा विंध हिमाचल यमुना गंगा, चल यमुना गंगा यमुना जलधि तरंगा, चल जलधि तरंगा तब शुभ नाभे जागे, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आसे मांगे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, तब जय गाथा, जन गण गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य भाग्य विधाता, जय हे विधाता, जय हे जय 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 हे जय 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 हे भारत माता की जय, भारत माता की जय। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस कार्यक्रम को यहीं हम सब लोग विराम देते हैं।